जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो बहुत इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी सारा जहां बाकी है। जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं कि आज के दिन आपने बीते हुए कल से बहुत ही शानदार लाजवाब गजब की तैयारी की होगी और बहुत ही जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में आप खतरनाक और बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से आनंद लेंगे, गजब के आंसर आज आप देंगे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत सारी एनर्जी के साथ आज क्लास में आए हैं, पूरी एनर्जी के साथ। तो एक बार अपना जोश दिखाने के लिए सबसे पहले लाड लो, पता ये देखें, बोले भारत माता की, पता चल जाएगा मुझे आपके जयकारे से कि आज आप पूरे जोश के साथ पधारे हैं जी। तो राजस्थान की इस पावन धरा से लाड लो, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं कि आप अपना कीमती समय मेरे साथ बिता रहे हैं और स्पेशली एस एच जी जीडी के लिए आप मेरे पास में तैयारी कर रहे हैं लाड लो। तो जितने भी मेरे लाडले हैं सभी को हाँ जी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग मेरे लाड लो। तो एक बार सेशन की शुरुआत से ही जितने भी मेरे लाडले चाहने वाले एक बार लाडो दबा के शेयर कर दीजिए। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया लाड लो। एक बात मैं आपको बता देता हूं, गजब से तैयारी आप मुझे कर रहे लगा कर रहे हैं कि सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है, सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल ही आसमां है, रास्ता खुद ही बनाना है। और अंतिम समय है, अंतिम पड़ाव है शशि जी डी का, आखिरी बार के 100 सोनार की एक लोहार की, आज एक लोहार की मारने के लिए आप सभी तैयार हैं। और आपके समक्ष रीजनिंग के मैं बहुत ही शानदार यानी आपके अति संभावित प्रश्न आपके समक्ष लेके आया हूं, स्पेशली एस एच जी डी के पेपर के रिगार्डिंग विभिन्न प्रकार के। उम्मीद है कि आज के इस पेपर में आप पूरे के पूरे नंबर अटेंड करेंगे और पूरी एक एनर्जी के साथ। चलिए एक बार लाड दो, क्लास शुरू से पहले के गूंजता रहे इंकलाबी नारा, मां तेरी मिट्टी की कसम, बोलिए लाड दो इंकलाब 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 जिंदाबाद। हाँ जी लाड लो बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ, एक शानदार एनर्जी के साथ। उम्मीद है आप पूरी एनर्जी के साथ आए, मेरी एनर्जी को दुगनी कर देंगे, दुगनी नहीं आज चार गुनी करनी है लाड लो। आज बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके समक्ष लेके आया हूं। अब आपको कुछ जानकारी बता दूं, स्पेशली जितने बच्चे ऐसे जेडी की तैयारी कर रहे हैं लाड लो, आप एप्लीकेशन यानी प्ले स्टोर से जाके कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं लाड लो प्ले स्टोर से। और मैं आपको बता दूं स्पेशली अब अंतिम समय में आपकी एस एच जी डी के लिए मॉक टेस्ट मात्र ₹50 में, एस एच जी डी के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन में मात्र ₹50 में। आपकी रैंकिंग क्या है, कितने आपके नंबर आते हैं, आप अपने आप को जांचिए लाड लो, तो आपके लिए काफी फायदे की चीज है। साथ ही आप अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो कमांडो अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। स्पेशली मेरे से जुड़ना चाहते हो, मेरे इंस्टाग्राम आई डी है VEERAT विराट डबल डेज, ठीक है लाडलो। इसके अलावा आप हमारे पास में ऑफलाइन अकेडमी में आकर तैयारी करना चाहते हो, कुचामन सिटी राजस्थान में लाडलो, 8/11/2021 से 15/11/2021 तक एडमिशन ओपन है, आप एडमिशन करा सकते हो। स्पेशली यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, आर्मी, एसएससी जीडी, नेवी, एयरफोर्स, सभी के लिए। स्पेशली अभी जो बेस शुरू होने वाला है 8 तारीख से, वो यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस और एसएसबी हेड कांस्टेबल के नए बेस स्टार्ट हो रहे हैं लाडलो। तो जल्दी से जल्दी आप एडमिशन करा सकते हो। एडमिशन के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर लिखा देता हूं, 9588-10608। दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9521061100,
ठीक है लाडलो, इन दोनों नंबर पे आप कॉल करके हमारे साथ अकेडमी में तैयारी कर सकते हैं, आ सकते हैं। अकेडमी हमारी कुचामन सिटी राजस्थान में, करिए आरंभ। चलिए हाँ, राजस्थान का एडमिट कार्ड आ गया बेटा। तो लाडलो एक बार जितने भी मेरे लाडले हैं देशभक्त हैं, आप सभी का इस फौजी की क्लास में स्वागत है लाडलो। और उम्मीद करते हैं कि आपका सपना मेरी तरह फौज में जाने का जल्दी पूरा हो जाएगा इस बार। के पाक तेरा ख्वाब नजारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा था हमारा ही रहेगा, कोई शक नहीं थी। करें शुरुआत, ओके लाडलो के आरंभ है प्रचंड बोल मस्त को के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। और इसी के साथ करते हैं लाडलो क्लास की शुरुआत। हो तैयार तो एक बार बोलिए भाई, भारत माता की। मैं आ गया हूं सर जी, नमस्कार। बोलिए भारत माता की। भाई जोश कम रहना चाहिए दबा के। करें लाडलो शुरुआत, अरे करते शुरुआत। हाँ जी करते हैं रण का आगाज, अब युग बदलने की है बारी, देखते हैं कौन किस पे है बारी। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लाडले चुने हैं, आज 500 लाइक के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं लाडलो। देखिए कर दीजिए ये मुकाम हासिल, 500 लाइक के साथ आज क्लास की शुरुआत करते हैं लाडलो। बहुत ही गजब शानदार भाई। एडमिट कार्ड यूपी से कब आएगा? आ गया लाडले, यूपी का आ गया, सिर्फ मध्य प्रदेश ये छत्तीसगढ़ और एक दो जगह और बचे, उनके अलावा बाकी सब कहा गया भाई, आप चेक कर सकते हैं। पंजाब लाडलो 500 लाइक के साथ करते हैं शुरुआत। एक बार जितने भी लाडले जुड़े हैं लेकिन लाइक और शेयर कर दीजिए दबा के, इसके बाद में सेशन को लाइक और शेयर करने की जरूरत नहीं है। शुरुआती एनर्जी कि मैं लिख रहा अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरा लहू कार्यकर्ता इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे मरने के बाद वतन पर मिटने वालों का सैलाब आएगा और उसी सैलाब का हिस्सा हो तुम, जिसकी बात वीर भगत सिंह ने कही थी लाडलो कि मैं लिख रहा आगाज जिसका कल अंजाम आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे मरने के बाद वतन पर मिटने वालों का सैलाब आएगा और उसी सैलाब का हिस्सा आप और मैं है लाडले। कहीं शुरुआत बहुत ही गजब की एनर्जी के साथ आज ने आपने ऊर्जा भर दी है मेरे में। तो उम्मीद है एक बार 500 का आंकड़ा पार कराई देखे लाइक का, फिर करते हैं लाडलो शुरुआत। राजस्थान में कहां है आपकी अकेडमी? राजस्थान में कुचामन सिटी, शिक्षा नगरी बोलते हैं लाडलो कुचामन सिटी को राजस्थान की। कौन सी नगरी? शिक्षा नगरी। लाडलो 500 लाइक का टारगेट है, देखे कर दीजिए हासिल, ताकि एक खतरनाक पॉजिटिव ऊर्जा मेरे में आए और मुझे ऐसा लगे कि आप पूरे पढ़ने के जोश के साथ आ जाए हैं। 500 लाइक के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत, बहुत ही बढ़िया। अरे मुझे इतनी उम्मीद नहीं, इतना विश्वास है कि एक फौजी बनने वाला इंसान ही किसी फौजी की इज्जत कर सकता है, और इसमें कोई शक नहीं संदेह नहीं। मारे के दबा के लाइक, धन्यवाद लाडलो आपने 500 का टारगेट पूरा किया, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष। चलिए करते हैं शुरुआत, पूरी एनर्जी के साथ आंसर देना है किसी सांकेतिक भाषा में। सीएपीई को 1 2 3 4, होल्ड को 5 8 6 7 लिखा जाए तो हेड को क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए लाडलो हेड को क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए लाडलो, जल्दी जल्दी बताइए लाडलो जल्दी। जल्दी मेरे लाडलो, जल्दी जल्दी मेरे शेरो, जल्दी से देखते हैं सबसे पहले सही आंसर, सबसे सटीक आंसर कौन देता है, कौन है वो शख्स जो आज की जरूरत का इनाम जीतेगा? जल्दी बताइए मेरे लाडलो मित्रों। जल्दी लाड़ लो, जल्दी बताओ, देखिए लाड़ लो।
हाँ जी जल्दी बताओ लाडलो, थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे क्वेश्चन में एक जगह, तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी हल्की सी एक मिस्टेक हो गई है लग रहा है मुझे, क्या लग रहा है, एक हल्की सी मिस्टेक हो गई। चलिए उस मिस्टेक को मैं दूर करता हूँ, फिर आप आंसर दीजिए बेटा। मिस्टेक क्या हो गई है अभी बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक यहाँ पर हल्की सी हुई है, उसके बाद आप, लेकिन आपने तो आंसर दे दिया भाई, कैसे दे दिया, क्योंकि मुझे पता है भाई मेरे सूर है ये, यहाँ पर तीन और यहाँ पर है लाडलो तीन और यहाँ पर है चार, अब बताइए, नहीं सॉरी यहाँ पर है चार और यहाँ पर है तीन, अब बताइए लाडलो क्या होगा आंसर, अब बताइए, क्वेश्चन आप सही हुआ है लेकिन आपने पहले ही आंसर दे दिया, पता है कैसे, अरे पता है कैसे निशा यादव जी, गजब आंसर, बहुत ही बढ़िया बेटा, पता है कैसे, आत्मविश्वास से कि क्वेश्चन गलत हो गया होगा, टाइप करने वाले ने गलत टाइप कर दिया होगा, लेकिन हमारा आंसर तो पक्का गुरु जी यही है, और यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो बेटा क्या है, एच है, एच को क्या लिख रखा है, पांच लिख रखा है, तो हमने भी पांच लिख दिया, ई है, ई को क्या लिख रखा है भाई, ई को तीन लिख रखा है, तो हमने भी तीन लिख दिया भाई, ए है, ए को क्या लिख रखा है बेटा, देखो ए को दो लिख रखा, तो हमने भी दो लिख दिया भाई, और उसके बाद में डी, तो डी को सात लिख रखा, हमने भी सात लिख दिया, 53 27, ये रहा 53 27, हाँ जी 53 27 इसने दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया, गजब का आंसर दिया है, ठीक है बहुत ही बढ़िया लाजवाब भाई। चलिए ये लीजिए क्वेश्चन, बताइए क्या आएगा, बताइए जल्दी से क्या आएगा, जल्दी से आंसर दीजिए लाडलो, याद रखिए कि अगर दुनिया पर जीत पानी है तो आज हारी हुई बाजी जीतनी पड़ेगी लाडलो, अगर खुद की इज्जत देखना चाहते हो दूसरों की नजरों में, तो आज हारी हुई बाजी जीतनी पड़ेगी मेरे लाडलो, और जल्दी से आंसर दीजिए कि क्या होगा, जल्दी लाडलो जल्दी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, उम्मीद है आप सभी खतरनाक आंसर देंगे भाई, और आज आपके कमेंट भी देखे जा रहे हैं कि कौन सही सही आंसर दे रहा है, जल्दी बताइए, देखिए देखिए लाडलू, -1 -1 -1 और -1, उसी प्रकार इसमें से हम -1 करेंगे तो आ जाएगा बी, -1 करेंगे तो आ जाएगा ई, -1 करेंगे तो आ जाएगा जी, और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा के, तो बीई जी के, तो बीई जी के क्या हो जाएगा, बीई जी के। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, रियायत तुष्ट करना, उसी प्रकार बताना है, देखना सुन लेना, गलत नहीं करना, गलत नहीं करना, अगर गलत किए तो रुपा गुजर का सर्वनाश हो जाएगा, रियायत तुष्ट करना, उसी प्रकार बंदूक थामना, अभ्यास दुर्लभ, उत्प्रेरक अवशेप, वकील पर्सनल, जल्दी से आंसर दीजिए, इसका मैं पर्सनली आपके कमेंट देखूंगा, देखिए कौन सही आंसर देता है इसका, जल्दी से बताइए, थोड़ा जल्दी से बताइए पांडे जी, ऐसे बात नहीं चलेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी, आप में से ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर दे दिया है, पता है क्या करते हैं मैं बताऊं, देखो ये लोगों की बेसिक थिंकिंग होती है क्या, कि अगर नीचे कोई शब्द समझ में नहीं आता ना, तो जो शब्द सुना हुआ है ना उसी को आंसर बोल देते हैं, होता है ना ऐसा, हाँ हाँ होता है, जब छोटे छोटे थे तो स्कूल में क्या करते थे, इंग्लिश आती नहीं थी, इंग्लिश तो अभी नहीं आती, वो बात अलग है कि इंग्लिश लेने के बाद में इंग्लिश आ जाती है, बाकी इंग्लिश अभी भी नहीं आती, तो क्या करते थे, पैराग्राफ की लाइन मिला देते थे, इन दिस द जेक्वाड, तो उसी हिसाब से उसका आंसर सेलेक्ट कर देते थे, तो वो इसकी मत लगाओ बेटा, वो इसकी मत लगाओ, ऊपर इनमें से कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा तो इस पे ठोक दिया, अभ्यास और दुर्लभ दोनों के दोनों नाम सुने हुए हैं, तो आपने सबने 40% वोट कर दिया कि सर अभ्यास और दुर्लभ होगा, जबकि ये गलत आंसर है, ये बिल्कुल छपा सब गलत आंसर है, बंदूक थामना बिल्कुल गलत आंसर है, आपको इससे रिलेट करना है, रियायत जिस प्रकार तुष्ट करना से संबंधित है
उसी प्रकार उत्प्रेरक आवश्यक से संबंधित है। लाड लो आंसर क्या होगा, उत्प्रेरक अवशेप। हाँ जी, बहुत ही सरपंच के पड़ोसी, आपका सही है, जिसने पढ़ा उसका सही, जिसने पढ़ा उसका सही। चलिए अगला बताइए भाई आप तो। टेनिस कोर्ट, क्रिकेट रिंग, ग्राउंड, पिच और स्टेडियम। मैं बोल रहा हूं आपने दोनों ही नाम सुने हैं, लेकिन गारंटी आप मेरे 100% कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन का मिले तो साला टेंशन का था, पता नहीं कि दिल ये मेरा बात बात पे घमराए, दिल इडियट है, जाके उसे कोई समझाए, जल्दी से बताओ देखे लाड लो। कि टेनिस कोर्ट तो क्रिकेट, आंसर 100% सही आना चाहिए, यानी 100% सही आना चाहिए, जबकि आपने गलत आंसर देना शुरू कर दिया भाई, आपने गलत आंसर देना शुरू कर दिया है। हाँ जी, कि कुछ बातें रह गई है, कुछ बातें अभी है बाकी, और इस बार जो बात बाकी है ना वो गालियों वाली। बेटा अगर पता चल गया ना तेरी मम्मी को, कि रात को मम्मी को बोल के तू पढ़ रहा होता है ऊपर रूम में बाबू सना से बातें कर रहा होता है, देख लेना, बता दूंगा तेरी मम्मी को वास्तविक कि इसको इतना इजी क्वेश्चन है फिर भी नहीं पता। आप में से ज्यादातर लोग, देखना आप में से मैक्सिमम लोगों का गलत आंसर है, जबकि दोनों ही नाम सुने हुए हैं। आपको साफ साफ पता है कि टेनिस कहां खेला जाता है, कोर्ट में, कहां खेला जाता है कोर्ट में, और क्रिकेट कहां खेला जाता है पिच पर, कहां पर खेला जाता है क्रिकेट, पिच पर खेला जाता है भाई। इसका बताएं कि होनी को अनहोनी कर दे अनहोनी को होनी, छक्कों की जो बारिश कर दे नाम है उसका धोनी। बताइए देखिए, एक दो तीन चार को 24 लिखा जाए तो 3 1 5 4 को क्या लिखेगा, बताइए देखिए जल्दी बताइए और लाड़ दो। ये बात गलत है भाई, फौजी की आप क्लास ले रहे हैं, किसकी ले रहे हैं, एक फौजी की क्लास ले रहे हैं, और साथ में आपकी लाइक की कमी, यहां पर 1100 बच्चे लाइव और लाइक मात्र 600। अरे इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती है, आजादी के परवानों पर गात नहीं हो सकती है, जल्दी बता दे रूपा। देखो क्या हुआ है, ये बात कमाल की लगी मुझे आपकी, कौन सी, कि आपने, आप में से 76% प्राणियों को यह पता है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो कैसे इनको गुणा करेंगे, तो 4 3 12 12 2 24 और 24 को 1 से गुणा करेंगे तो 24 के 24। उसी प्रकार इनको गुणा करेंगे हम, 5 3 15 15 4 60 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बिल्कुल सही है लाड लो, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या कमाल की बात है कि दिमाग चल तो रहा है आपका, ये तो थोड़ा सा वो बाबू सोना ने वो टाइम थोड़ा लगा दिया। हाँ बाबू, मेरे बाबू ने खाना खाए क्या, अरे बाबू खाना क्या खाइए, बाबू ने मोट की दाल खा के पड़ोसियों का झीना हराम कर रखा है धमाके बुला बुला के। बताओ देखे, जोड़ों में से एक फिन है, फिन को छांटिए भाई, इनमें से एक भिन्न है, बताइए कि वो डिफरेंस नंबर कौन है भाई। फॉर्म रिजेक्ट हो गया बेटा, अगले एग्जाम की तैयारी कर ले, और कुछ नहीं, ये मन्नतों के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, मन्नतों के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, वो देगा तब भी भाई जब होगी उसकी मर्जी, काहे घबरा रहा है, किस्मत में नहीं है तो नहीं मिलेगी। जल्दी बताओ भाई कौन सा इनमें से गलत है, क्या बात करते हैं पांडे जी, इसका भी आप गलत आंसर दे रहे हैं, वाह रे वाह, आप में से बहुत सारे परसेंट, यानी 50% से भी ज्यादा लोग गलत आंसर को टिक कर रहे हैं। और सर एसएससी जीडी के लिए मिनिमम नंबर क्या है, मिनिमम आप 33 नंबर ले आना, कम से कम 33 नंबर लाना जरूरी है। तो लाड लो क्या हो जाएगा, देखो 4 16 5 30 6 42 और 7 56 अलग कौन सा हो जाएगा, देखिए 7 को इससे अगला पद कौन आता, 8, 7 को 8 से गुणा करेंगे, 8 7 56,
छह को इसका अगला पद कौन सा आता है बेटा? सात। छह को सात से गुणा करेंगे, सात संग 45। पांच से अगला पद कौन सा आता है? छह। पांच को छह से गुणा करेंगे, पांच संग 30। और चार को अगर हम पांच से गुणा करते हैं तो पांच चौक 20 होना था, लेकिन यहां पर क्या हो रखा है? यहां पर 16 हो रखा है। इसका मतलब है कि बेड़ा गर्क हो रखा है। ठीक है, तो लाडलो आपका आंसर हो जाएगा ये। और लाडलो ये गलत बात है भाई, आप एक फौजी की क्लास में हैं और उम्मीद यह है, उम्मीद नहीं विश्वास यह है कि आप सब देशभक्त है, तो कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लाइक की कमी लाइव से ज्यादा होनी चाहिए लाइक, क्योंकि आप सभी वो वीर बहादुर है जो इस देश के लिए अपनी जान नौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो और एक बात बता दूं, वास्तविकता यह है कि किसान जवान इस देश में वही लोग पसंद करते हैं जो या तो खुद किसान है या जवान बनने का सपना देखते हैं, बाकी लोगों को रास नहीं आती है ये दुनिया। चलिए लाड़ लो अगला क्वेश्चन। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, यानी इनमें से अलग है? ट्यूलिप गुलाब कली गुलबहार। ओए होए गुलबहार के तेरी आंखों की मस्ती के मस्तान हजारों है। बताओ देखे इनमें से अलग कौन सा है, जल्दी से लाड़ लो बताइए कि अलग कौन सा है। अरे बताइए लाड़ लो कि अलग कौन सा है। और आप में से मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद नहीं मेरे को विश्वास है, पता है 90% फेल हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि 90% रैंडम है, अभी शादी हुई नहीं है, एसएससीडी में फौजी पढ़ेंगे नहीं तो शादी होगी भी नहीं बेटा। बटेऊ ना आएगा ऐसे जब तक नौकरी ना लगेगी। बटेऊ बोलेगा अरे फिर जब नौकरी लग जाएगा ना फिर बटेऊ आएंगे, जी तुम्हारा एक लड़का बताया था, अभी कोई किसी को नहीं दिखता कि लड़का, अभी तू बोले ऐसे घूम ले गांव में कोई नहीं बोलेगा कि भाई लड़का ठीक कर तैयारी करता, ना 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 ना। बटेऊ बेटा तब आएगा जब ऐसे जीडी वाली मेट में तेरा नाम आएगा, नहीं तो बटेऊ ना आएगा तेरे घर पे, समझा। और लाड़ लो एक बात बता दू, हमारी एकेडमी में 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक एडमिशन ओपन है। यूपी पुलिस गारंटी बैच, राजस्थान पुलिस गारंटी बैच, एसएसबी हेड कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आर्मी, इनके भी एडमिशन ओपन है। जो हमारे एकेडमी में हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ के तैयारी करना चाहता है आ सकता है। लाड़ लो एकेडमी हमारी कहां है? कुचामन सिटी राजस्थान जयपुर में। एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बताइए देखें, अब मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं लाड़ लो। आप बोलोगे गुरु जी आप तो मजे लेते हो हमारे। अरे मजे क्या लेते हो, देख लो तुम खुद। क्या देखोगे कि रंडवों की क्या पहचान, जिनको पता ही नहीं कि ये ट्यूलिप एक प्रकार का फूल है। अरे बावली तरेड़ ये फूल है एक, लेकिन पता तब चलेगा जब कहीं जुगाड़ बैठेगा, जुगाड़ बैठ नहीं रहा है। तो ये एक फूल है और गुलाबी फूल है, गुलबहार ये भी फूल है। अरे बेवकूफ, गुलबहार भी फूल है लेकिन कली, अरे अभी वो कली है, जब खिलेगी तब फूल बनेगी, अभी मात्र वो क्या है, कली है, मतलब अध खिला फूल है वो, अभी कली है, कल को वो खिल के फूल बनेगी लाड़ लो। तो कहने का मतलब अलग कौन सा हो गया, कली हो गया है जी। कौन सा हो गया है जी? कली हो गया है, बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बताइए अदालत, स्टंप, पिच, बल्ला, इनमें से अलग कौन सा है? कि अदालत सजी हो तेरे मोहल्ले से, अदालत सजी हो तेरे मोहल्ले में, उसका कोई गिला नहीं। बस बात यह है कुछ गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाने चाहिए लाडली, लाडली नहीं भाई लाडले। जल्दी बताओ देखे कि पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, बस आग जलनी चाहिए भाई। तो लाड़ लो
अदालत क्या हो जाएगा इसमें, अलग हो जाएगा, बाकी सब क्रिकेट के समान है। हाँ जी, क्रिकेट तो तुम देखते ही हो, इसमें क्या शक है बताइए। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म छांटिए, इसमें 90% की भैंस पानी में जाएगी भाई। कितनों की जाएगी? 90% की भैंस पानी में जाएगी, बता दीजिए, जल्दी बताना, ध्यान रखना, जल्दी बताना भाई। कईयों की भैंस गई है पानी के अंदर, ओए होए, और वो पूंछड़ा पकड़ के अंदर ही चले गए हैं। जल्दी बताओ, लाड लो, थोड़ा फास्ट फास्ट, थोड़ा सा फास्ट, कमॉन, देखो लाड लो। अरे वाह भाई वाह, कमाल करते हैं आप में से ज्यादातर लोगों ने ए आंसर चुना है। अच्छा अभी बी पे आ गए, अरे दल बदलो इंसानों, हाय हाय, शर्मा गई का, फोन काट दी, मम्मी आ गई का, तुम मार खा गई का। देखो 52 यहां पर लिखा आपके सामने, 68 कितना प्लस हुआ भाई, प्लस हुआ है 16, कितना प्लस हुआ है भाई 16, कितना प्लस हुआ है भाई 16, इसमें कितना प्लस हुआ है मात्र 4, कितना प्लस हुआ है 4, और हमें हो गया है तुमसे प्यार, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे यार, और इस बार एसएससी जीडी पार, बिल्कुल सही। चलिए भाई, एक संयुक्त परिवार में पिता, गजब का क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होता है। देखो एक संयुक्त परिवार में पिता, मां और 3 विवाहित बेटे हैं, एक अविवाहित बेटी भी है, ध्यान रखना। बेटों में 2 में प्रत्येक को 2-2 लड़कियां हैं और एक को एक बेटा है, उस परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, मतलब लेडीज कितनी है, लेडीज इंग्लिश में बोलते हैं लेडीज, कितनी है जल्दी बताइए। अरे टिकटॉक के स्टार थे भाई हमारे, टिकटॉक देखते नहीं थे, टिकटॉक के हम स्टार थे, टिकटॉक पे हमारे 6,00,000 फॉलोवर थे। अरे एक नंबर के टिकटॉक के थे हम, ये तो बात अलग है कि टिकटॉकियों की कोई इज्जत नहीं है, अगर होती तो हमारी सबसे ज्यादा होती, लेकिन वो चाइना का माल था, देश ही सबसे प्रिय है भाई, जिस दिन आया उसी दिन डिलीट मार दिए थे, जब बात आई देश की डिलीट मार दिए थे, गलवान घाटी की बात सुन के, 6,00,000 नहीं, अगर 70,00,000 भी होती तो भी मार देते, और गालियां काट के मारा था डिलीट भी, ठीक है। चलिए बताइए, देखो एक संयुक्त परिवार में पिता मां, तो एक तो गई मां, 3 विवाहित बेटे, तो यानी 3 उनकी पत्नियां, एक अविवाहित बेटी, हाँ जी, 2 बेटों में प्रत्येक के 2-2 लड़कियां, तो ये हो गई 4, तो 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 9, तो कितनी लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं भाई, कितनी है, 9 लड़कियां हैं, हाँ जी, के हाँ जी, बिल्कुल प्यार करेंगे, सीधा दिल पे वार करेंगे, डार्लिंग डोंट वरी हो जाओ ना, कभी दिल से वार करेंगे। एक व्यक्ति अपने घर से 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर दाएं मुड़ता है, 14 किलोमीटर पश्चिम। अब आप बोलोगे गुरुजी पश्चिम किधर है, तो देखो मैं बताता हूं पश्चिम किधर है, ये देखो दिशा ज्ञात करने का सबसे शानदार तरीका, ये तो सबको पता है उत्तर है, दक्षिण है, ये सबको पता है, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान की बात मैं नहीं कहता, पाकिस्तान वालों को घंटा नहीं पता, ये पता। अब इसको याद करने का एक हमारे बहुत ही प्रिय आदमी है पप्पू, कौन है भाई पप्पू, कौन है, अरे आप जानते हो क्या पप्पू कौन है, पप्पू, तो पे का मतलब पश्चिम और पू का मतलब पूर्व, पप्पू याद रखना, क्या याद रखना, पप्पू, आलू का सोना बना देंगे हम, देखिए आपको भी सोना बना देंगे। देखो एक व्यक्ति अपने घर से 14 किलोमीटर लाड़ दो पश्चिम की ओर चलता है, यहां से 14 किलोमीटर, ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ता है और फिर 14 किलोमीटर चलता है, और 14 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है और फिर 10 किलोमीटर आगे चलता है, ये लो भाई 10 किलोमीटर आगे चलता है, तत्पश्चात वो फिर बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर, तो फिर बाएं मुड़ के ये आ गया भाई यहां पर 14 किलोमीटर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने घर से कितनी दूरी पे, तो 14 और प्लस 10 ये कितनी दूरी हो गई, 24 किलोमीटर पश्चिम में, अरे किधर है कि तेरा ध्यान किधर है, कि तेरा हीरो इधर है, तो 24 किलोमीटर किधर है भाई, पश्चिम में है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके समक्ष। इसमें बताइए निम्न में से कौन सा एक गलत है, दिमाग का यूज करिए, जिसमें दिमाग दिया ऊपर वाले ने, बाकी नहीं,
अरे दिमाग का यूज करिए लाडलो, किसका दिमाग का, 5, 8, 15, 26, 50, 98 और 194 बताइए कि कौन सा एक गलत है, बताइए जी बताइए कौन सा एक गलत है, देखता हूं मैं कमेंट। बताइए जल्दी, देखते हैं जल्दी से आंसर दीजिए लाडू, जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए मैं आपका देख रहा हूं, देखिए कौन सही आंसर देता है भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है लाडलो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सा गलत, रूपा गुजर का सर्वनाश करेगी रूपा, आज फिर चंद्रपुर में भेड़ियों ने शहर का शिकार करने के लिए जाल बिछा रखा है रूपा, रूपा बताइए देखिए रूपा जी क्या होगा आंसर, कौन है गलत और कौन है सही। लेकिन इस बात आपकी खुशी बहुत हो रही है कि आपकी तैयारी बहुत ही शीर्ष पर है, मतलब बहुत ही घातक तैयारी की हो भाई तुम, मानना पड़ेगा इस देश में फौजी बनने के लिए खतारी लगती है, बाकी सब देशों में हिंदुस्तान में बहुत ही बड़ा फर्क है, हिंदुस्तान में फौजी बनने के लिए लोग लड़ते हैं मरते हैं, बाकी देशों में इतनी मिट्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि फौजी बनने के लड़े लड़े, अमेरिका जैसे देश में भी लालच दिया जाता है कि आप कम से कम 4 साल के लिए सेना में आइए, और हमारे देश में आर्मी की भर्ती देख लेना जैसे कोई मेला लगा हो, लोग मरने देखो तैयार है, 500 का बेस दौड़ाते हैं, लो भाई एसएससी जीडी में 50-50, 60-60 लाख फॉरम 25,000 पदों के लिए। अरे इस देश की मिट्टी में कुछ खास बात लाड़ लू, ठीक है कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा के हो तुम वंशज जहां तक फाला जाए, बिल्कुल सही है आपने फेंक दिया, देखो आपने फेंका कि गुरुजी 15 गलत है, तो बिल्कुल 15 गलत है, कैसे, तो ऐसे कि यहां पर पहला पद है 5, 5 को 2 से गुणा करो और 2 माइनस कर दो, तो 5 × 10 − 2 कितना आ जाएगा 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे और 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, यहां सही पद क्या आएगा 14, अब 14 को हम 2 से गुणा करेंगे और 2 माइनस कर देंगे तो 26, उसी प्रकार जैसे 50 को हम 2 से गुणा करेंगे और 2 माइनस कर देंगे, 50 को 2 से गुणा करेंगे 100, 100 − 2 = 98, तो ये क्रम चला तो यहां पर क्या आएगा 14 आएगा, क्या आएगा लाडलो 14। लेकिन ये एक बात गलत है भाई, ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती है, पता है कौन सी, कि अभी 1800 बच्चे लाइव है और मात्र 1200 लाइक, अरे भाई फौजी की क्लास है, मैंने जान फूंक रखी है आपके लिए, ये क्वेश्चन बहुत ही मेहनत के बाद तैयार होते हैं, और आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसके पैसे नहीं बढ़ते, पैसे बढ़ते होते तो आप बोल देते कि गुरुजी आप पैसे के लिए बोलते, अरे नहीं अच्छा लगता भाई टोर में रहता बंदा कि हाँ जी फौजी है, देख लो पसंद करने वाले भी कम ना है इस देश में फौजियों को, अगर कुछ तो ऐसे प्राणी है जिनको अगर कोई मैडम होती रहे बोल देती ना लाइक कर दीजिए ना, अरे लाइक क्या जान देते थे कि मैडम जी जान दे देंगे हम, आप लाइक ही बोल रहे हैं, बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, हाँ हाँ पता है मुझे, और मैडम चाहे 80 साल की भी होगी रहे बोल देगी ना लाइक कर दीजिए ना, वो एक मैडम जी पता नहीं कौन से बोल देते हैं बेबी लाइक कर दीजिए ना, तब तक तो बेबी बाबूर टोटल या मुस्टंड इतने मोटे मोटे भी बाबू लाइक कर देते हैं, फौजियों को कौन लाइक करता भाई, प्रणाम वाला की जय, आप जल्दी बताओ देखे लाड़ लो, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए क्या आएगा, इसका जो आंसर देगा मान जाएंगे भाई धुरंधर है, क्या मान जाएंगे धुरंधर है, मान लेंगे कि हाँ आपकी तैयारी है, क्या मान लेंगे कि आपकी तैयारी है, लेकिन इसका आंसर कोई देगा तब ना तब मानेंगे, देखते हैं कि आज कितने ऐसे प्राणी हैं जो इसका आंसर देने में बिल्कुल सक्षम है, हाँ जी बिल्कुल भाई पोल वाले भैया ध्यान रखना, इस बार जो आंसर दे उसका नाम जरूर कमेंट में पोस्ट कर देना भाई, जो सही आंसर दे, ठीक है ध्यान रखना नजरों से, पेनी नजरों से ध्यान रखना भाई, उसका नाम पोस्ट कर देना भाई नीचे कमेंट में अंडरलाइन के साथ, एक हमारी तरफ से पूरा शाबाश लिखे, दो देखे आंसर,
हमने तो पहले ही बोला था बाबा जी के लड्डू। आ हा 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 अरे भ्रम, एक होता है लाडलू घमंड, अहम और भ्रम में थोड़ा सा ही फर्क है, बताऊंगा बात आगे, पहले देख लो क्या हुआ इसमें। ये आपके सामने प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 5, 13, 41, 85 और आगे 257। मैं आपको इसकी एक गणित समझाता हूं, क्या समझाता हूं, गणित समझाता हूं, देखिएगा भागिएगा नहीं, क्योंकि भागते कौन है, जो कायर होते हैं फौजी क्लास में दौड़ने का नहीं भाई। चलिए देखिए क्या हुआ है यहां पर, इसको पहले गुणा किया 2 से और प्लस कर दिया 3। क्या किया भाई, गुणा 2 प्लस 3, समझिएगा बात को। इसमें आते क्या किया कि इसमें प्लस गुणा 2 किया था, इसमें गुणा 3 कर दिया और प्लस कर दिया 2, यानी इसमें किया था गुणा 2 प्लस 3, इसमें किया गुणा 3 प्लस 2, वापस इधर कर दिया गुणा 2 प्लस 3। यहां पर 85 लिखा हुआ ना लाड लो, यहां पर 85 लिखा हुआ देखो, ठीक है, वापस यहां पर किया लाड लो के गुणा 3 प्लस 2, तो यहां पर क्या होगा गुणा 2 और प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 517 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 517 आ जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई, पहले मुझे ये बताओ, बात समझ में आई तो बोलो यस सर आ गई, अरे अगर नहीं समझ आई तो वापस समझा देंगे भाई, बोलो समझ आ गई गुरुजी। इसमें क्या हुआ बेटा कि पहले गुणा 2, देखो शुरुआत से क्या हुआ था, गुणा 2 प्लस 3, फिर गुणा 3 प्लस 2, यानी उल्टे पुल्टे, फिर वापस गुणा 2 प्लस 3, फिर वापस गुणा 3 और प्लस 2, ये उल्टे पुल्टे चले हैं भाई, क्या चले हैं उल्टे पुल्टे। दबा के लायक ठोको मेरे लाड लो, बिल्कुल लायक, अब तक 2000 पार जाने चाहिए लेकिन जा नहीं रहे। बताइए देखिए क्वेश्चन मार के देखे क्या आएगा, क्वेश्चन मार के देखे क्या आएगा, बताओ देखे जल्दी, बताओ देखे लाड लो क्वेश्चन मार के जगह क्या आएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ देखे, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी मेरे मित्रों जल्दी बताओ देखे क्या आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा दिल पे नहीं लेना, क्वेश्चन बड़ा इजी है लेकिन रहता बहुत बिजी है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इजी है भाई, ध्यान रखना। हाँ जी बताओ देखें, बताओ देखें जल्दी बताओ, आज इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, कोई बात नहीं बेटा, हो गया तो हो गया, हर बार जीत हमारी नहीं होती, कोई बात नहीं, खेल है, कई बार हार भी जाते हैं, हार जीत चलती रहती है लाड लू, ठीक है, हार जीत चलती रहती है, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा तू क्रिकेट देख रहा है, ये कमाल की बात लगी मुझे कि सब बंदे आज एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तू क्रिकेट देख रहा है, वाह रे वाह मेरे लाडले, मानना पड़ेगा, गजब की कमाल की बात है कि तुझे आज क्रिकेट का टेंशन है, अपने लक्ष्य का नहीं, ये हार जीत चलती रहती है। मैं खुद बोल रहा हूं, मैंने कोई भी फिल्म या कोई भी लाड लो, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, 1 मिनट का समय लूंगा, उसके लिए पहले से बोल रहा हूं क्षमा चाहता हूं। लेम्बोर्गिनी कार का नाम सुना आपने, अरे सुना है क्या लेम्बोर्गिनी कार का नाम, उम्मीद है सुना होगा। लेम्बोर्गिनी कार वाले मालिक ने एक बार जब उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि आज तक आपने कभी भी लेम्बोर्गिनी कार का एड ना तो मोबाइल पे दिखाया और ना ही टीवी में दिखाया, लेकिन ऐसा क्यों, आज पूरी दुनिया टीवी और मोबाइल पे ही टोटल एड करती है, लेकिन आपने आज तक कभी भी लेम्बोर्गिनी कार का एड टीवी और मोबाइल दोनों ही जगह नहीं किया, ऐसा क्यों। तो लेम्बोर्गिनी के मालिक ने कहा, सुनिएगा बात ध्यान से, कि जिस इंसान के पास टीवी और मोबाइल देखने का वक्त है वो कभी लेम्बोर्गिनी खरीद भी नहीं सकता। सत्य है बात कि लेम्बोर्गिनी खरीदने वाला इंसान को टीवी और मोबाइल देखने का वक्त नहीं है। आप ये बोल रहे हैं कि एसएससी जीडी का आपके 10 दिन बाद में एग्जाम शुरू है और आज आप ये बोल रहे हैं कि इंडिया मैच हार गए, इसका मतलब है कि आपका पूरा का पूरा ध्यान इंडिया में है बेटा, पहले अपना लक्ष्य उसके बाद सब, ठीक है। देखो क्या हुआ है, क्यों
एस यानी प्लस दो क्या हो रहा बेटा, प्लस दो हो रहा है। इससे आगे चलेंगे क्या हो जाएगा भाई, डब्लू एक्स और वाई, तो क्या हो जाएगा वाई। हाँ जी बिल्कुल सही है, माइनस एक क्या हो रहा बेटा, माइनस एक करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा बी। अब गिनती वाला मेन समस्या, तो गिनती में आपके लिखा हुआ है लाड दो, देखिएगा मैं गिनती को उठा रहा हूं, एक दो छह और इक्कीस। अगला क्या आएगा देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससीजीडी के तर्ज पे ये क्वेश्चन है। एक इंटू एक प्लस एक, एक को एक से गुणा करके प्लस एक कर देना है, दो को दो से गुणा करके प्लस दो कर देना है तो छह आ जाएगा, छह को तीन से गुणा करके प्लस तीन कर देना है 21 आ जाएगा, 21 को चार से गुणा करके, किससे चार से गुणा करके प्लस चार करेंगे, 21 को चार से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे बेटा 84, प्लस फोर करेंगे तो 88, क्या आ जाएगा 88। y88b। हां जी बिल्कुल सही है, हां जी बिल्कुल सही है, जी जिसका आया है बिल्कुल सही। क्या आपने ये आंसर दिया है y88b, ईमानदारी से बताना कि कौन कौन है जिसने ये आंसर दिया, ईमानदारी से बोलना सर मैंने दिया है। और लाडलो चलिए एक बात आपसे पूछता हूं भाई, आप एक बार अपने स्टेट का नाम लिखिए, देखिए आप कौन से स्टेट से, यहां पर किस स्टेट की सबसे ज्यादा संख्या अभी पड़ रही है, लिखिए देखिए कौन से स्टेट से आप पढ़ रहे हैं अभी, और फिर साथ में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से अपना आंसर बताइए भाई। एमपी, यूपी, क्या बात है भाई, जल्दी से दीजिए देखिए फिर इसका आंसर, फिर क्वेश्चन के आंसर पे आ जाइए, देखिए लाड लो जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे लाड लो। याद रखें आप सुबह 9 बजे स्टेट जीके की शानदार क्लास होती है मेरी, कितने बजे सुबह 9 बजे धमाकेदार क्लास होती है, याद रखना स्पेशली एसएससीजीडी के लिए। उसके बाद में 3 बजे हिंदी की क्लास होती है हर रोज इसी चैनल पे, और कल से सुबह 7 बजे लाड लो मैथ की क्लास भी आपके समक्ष होगी, किसकी क्लास, मैथ की क्लास सुबह 7 AM पे, और बहुत जल्द मैं आपके लिए मैथ और रीजनिंग मैराथन क्लास लाने वाला हूं लगातार 12 घंटे की। क्या आप तैयार हो पढ़ने के लिए, अरे आप तैयार हो मेरे साथ लगातार 12 घंटे पढ़ने के लिए, बताओ देखे एक बार। और लाडलो जिसने अभी तक कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर पे जाइए डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए मात्र एसएससीजीडी की टेस्ट सीरीज मात्र 50 रुपए में अवेलेबल है, जल्दी जाइए और फुर्ती से ले लीजिए लाडलो, ऊपर मात्र कल तक के लिए है, मात्र कल तक के लिए 8 तारीख तक अवेलेबल है, जल्दी बताइए देखे। अब आंसर भी आ जाइए, ओके भाई ओके, आंसर बताइए लाड लो क्या होगा, देखो प्लस तीन और प्लस तीन करेंगे तो एल आ जाएगा, प्लस तीन और प्लस तीन करेंगे तो जे आ जाएगा, तो एल जे कहां है, ये रहा भाई एल जे कहां है, ये रहा भाई एल जे, हां जी एल जे ये रहा, तो आंसर आपका हो जाएगा जी ये। चलिए अगले क्वेश्चन में, आहा ये है धमाकेदार क्वेश्चन, देखते हैं किसमें कितना है दम, छाती ठोक के देना आंसर भाई, छाती ठोक के देना आंसर है कि गुरुजी इस पे कर दीजिए लोक, 100% आंसर देना, कंफ्यूजन वाली बात नहीं करना कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन की मिले तो साला टेंशन का आता पता नहीं, दिल ये मेरा बात बात पे घबराए, दिल ईटीएट है प्यास इसको समझाए, जल्दी लाड दो, बर्फिंग हो रहा है नहीं होगा भाई, कहीं नेटवर्क थोड़ा सा डाउन हो गया होगा, इसका आंसर दीजिए भाई देखिए जल्दी से क्या आएगा, जल्दी से आंसर दीजिए देखिए लाड लो। ओए ओए मैं पहले बोला था कि गलत हो जाएगा बहुत सारे लोगों का, क्या हो जाएगा, जल्दी से लाड लो जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी मेरे लाड लो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए देखिए लाड लो क्या आएगा, अरे क्या हुआ क्या हुआ, नींद आई जो हम सो गए, हम तो अहले वतन को जगा के चले, चलिए आप आंसर दीजिए, मैं आपको एक छोटा सा गाना सुना देता हूं भाई देशभक्ति, कौन सा,
कि जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। ये 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन गांव में जब चलता है ना भाई डीजे पे शानदार, क्या गजब का माहौल बन जाता है। जरा आंख में भर लो आंसू है जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। हो जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। खतरनाक सॉन्ग है भाई ये। चलिए बताइए, देखो अब बताता हूं आप में से आंसर किसके है भाई। आपने सबसे ज्यादा आंसर किया 324 पर, किस पे किया है 324 पे, जबकि आपका सरासर गलत आंसर है ये, बिल्कुल सरासर गलत, बिल्कुल गलत। अंतिम 10 सेकंड आपके पास में, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं आपके, 10, 9, 8, 7 कमेंट में करिए, पोल तो तुम्हारा खराब हो गया, कमेंट लिखिए भाई जल्दी से, 6, 5, 4 हाँ भाई 264 है, संदीप झा जी बिल्कुल सही आंसर है, मनीष जी बिल्कुल सही, धीरज जी गजब का आंसर आपका 100%, ऐसे दावा करना सही है कि सर जी ए होगा 100%, और जो दावा करता है ना 100% उसका सही होता है भाई। क्यों अगला बंदा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है गुरु जी ठोक दीजिए, देखे तो बिल्कुल ठोक दिया भाई। देखो क्या हो रखा है, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों का योग कितना हो गया 26, और इसको 12 से गुणा कर दो आप क्या जाएंगे 312, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो कितने हो जाएंगे भाई 27, और 27 को 19 से गुणा करोगे तो 512, इन दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा बेटा 24, और 24 को अगर आप 11 से गुणा करोगे तो 11 चौक 44 7 के 4, 11 दूना 22 और 4 26, 264 क्या आएगा 264 आएगा, जिसने 264 दिया उसका बिल्कुल सही है, बाकी सबकी भैंस गई पानी के अंदर, और पूछना पकड़ के तुम भी, इतना इजी क्वेश्चन है। चल ये बताओ, देखें एक बार देखते हैं किसकी आंखें तेज है, पहले कागज को इस प्रकार से मोड़ा गया, फिर उस कागज को ऐसे मोड़ा गया, अब इसके अंदर ऐसा बनाया गया है, बताओ क्या बनेगा भाई, बताओ देखे किसकी आंखें तेज है। अरे आंखों के मामले में तो पूछो मत, ये लड़के बिल्कुल बराबर बताए, कई लड़के तो ऐसे होते हैं जब कॉलेज में जाते हैं ना तो ऐसे देख कर एटीट्यूड में पूरे, कोई लड़की उनकी तरफ ऐसे देख ऐसे कर देना हो, तब तक तो पूरे ऐसे फट जाते हैं अंदर से, और ऐसे ओहो जैसे तुझे ही देख रही है वो। अरे पूरे रास्ते में वो स्माइल बिखेरती आई है बावली पूंछ, उसको चुटकला याद आ रहा है रात को विराट सर ने सुनाया था वो बावली त्रेड़। बताओ देखे जल्दी से कौन सा होगा सही आंसर, तू ऐसे बावला हुआ जा रहा है, उतरा मुझे देख के हंस ली, ओह अरे बावली तरेड़ तुझे देख के हंस ली। और हमारे देश में एक बहुत बड़ा ड्रामा भाई ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान अमेरिका किसी देश में नहीं, विकसित देशों में नहीं। कौन सा, कि बाबू अब सो जाइए लेकिन फोन कट मत करिए, मुझे आपकी सांसों की आवाज सुननी है। ओहो अरे बाबू सांसों की आवाज नहीं है, वो तेरी बाबू ने रात को मोठ की दाल खा ली थी और धमाके कर रही है, सांसों की आवाज नहीं है, तू गलत फहमी में जी रहा है, वो धमाके कर रखे है, पड़ोसियों का जीना आराम कर रखा तेरी बाबू ने, और रात को मूली खा के और फटाके फोड़ रही है, रजाइया गर्म कर रही है, सांसों की आवाज सुननी है, बड़ी भारी आई सांसों की आवाज आती है क्या फोन में, लेकिन ये हमारे देश में चलता है ड्रामा, मुझे आपकी सांसों की आवाज सुननी है, आप सो जाइए लेकिन आपका फोन चालू रखिए। ओहो अरे लबर, अरे ये हो जाएगा भाई बहुत इजी है आंसर, आपने सही दिया लेकिन 40% नहीं सही दिया है, कितने ने मात्र 40% नहीं सही दिया है, बाकी सबकी भैंस गई है पानी के अंदर, और भैंस का पूंछड़ा पकड़ के तुम भी गए हो, भैंस का तो कोई नहीं, वो चार हाथ पैरों के तिर के बाहर निकल जाएगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा,
कालिए तुम्हारे लिए एक देखो, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए संयोजन को दर्पण छवि का काफी सदृश। अगर मान लो कि दर्पण में अगर इसको देखेंगे, मान लो यहां पर दर्पण है, तो बताओ कि इनमें से कौन सा बिल्कुल सही बैठेगा। बताओ भाई इनमें से कौन सा बिल्कुल सही बैठेगा, जल्दी बताओ। देखे लाड़ लो, जल्दी बताओ, देखें। अरे जल्दी बताओ कि कौन सा सही बैठेगा। हाँ जी जल्दी जल्दी बताओ लाड़ लो, थोड़ा सा फास्ट। ये समंदर पीर का मंजर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार के मोती है मैं इनको खो नहीं सकता। लाड़ लो आंसर आपका चार हो जाएगा। और हमें तुमसे सर जवाब, मेरा कमेंट फॉर्म रिजेक्ट हो गया बेटा, कुछ मत कर, अगले एग्जाम की तैयारी कर, ठीक है। जब सर गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे ना उस दिन, तो तुम कोई फर्क नहीं था, तुम्हारे कान के जूं तक रह रही थी। अब फॉरम रिजेक्ट हो गया तो सर अब क्या करें, अब कुछ ना कर। अब अगले सभी गुलाबी नीली है, सभी गुलाबी, ये गुलाबी, ये क्या है नीली, ये गुलाबी, सभी गुलाबी नीली है और कुछ नीली लाल है। ये कुछ नीली है जो क्या है भाई, लाल है। के ओ लाल मेरी ही पथ रखियो बला जुले लालन। बताओ देखे कुछ लाल गुलाबी है, ये हम स्पष्ट नहीं कर सकते। कोई लाल नीली नहीं है, कोई लाल नीली नहीं है, नहीं भाई कुछ लाल नीली है, तो दोनों ही क्या है गलत है भाई, एक और दो दोनों ही गलत। अगले में आ जाइए, कोई लाल वर्ग नहीं है, कोई भी लाल, ये भाई लाल, कोई भी लाल वर्ग नहीं है, तो ये हो गया वर्ग। और कुछ वर्ग आयत है, तो ये वर्ग है, ये आयत है भाई, आयत है आपके पास में है। और कोई आयत त्रिभुज नहीं है, कोई भी आयत क्या भाई त्रिभुज नहीं है, ठीक है जी त्रिभुज नहीं है। कुछ त्रिभुज लाल है, डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ त्रिभुज आयत नहीं है, हाँ जी जब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सीधी जी बात है, ये सही है। कोई आयत लाल नहीं है, कोई आयत लाल नहीं है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि निष्कर्ष दो अनुसरण करता है अकॉर्डिंग टू आपके और मेरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बताइए देखें। ओहो अरे ये तो बहुत भारी आ गया है, एसएससी जीडी वाले कर लोगे क्या तुम, बताओ कर लोगे क्या, करके दिखाइए। देखे चैलेंज है भाई आप में से, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, चैलेंज है आप में से। देखते हैं कि आज कितने लोग ऐसे हैं, कितने मेरे शेर शेर नहीं लाडले लाडली, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटाक आंसर देंगे। गुरुजी ये पकड़ो आंसर और छुट्टी करो, आप निकलो यहां से। सर आज मैं बहुत दुखी हूं, पता नहीं कैसे मेरा एसएससीजीडी का फॉरम रिजेक्ट बता रहा है, मेरे दिमाग खराब। कोई बात नहीं बेटा, मैं हमेशा बोलता हूं कि मन्नतों के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, वो देगा तभी मेरे लाडले जब होगी उसकी मर्जी। कब देगा, जब होगी उसकी मर्जी। दीजिए देखिए आंसर, कौन कौन है यहाँ पर सूरवीर जो बिल्कुल 100% तैयारी करते हैं। लाडले निराश नहीं होना, जिंदगी अगर कुछ लेती है तो कुछ देती जरूर है, याद रखना। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो खुलते भी बहुत सारे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, इंसान से होती है, हम भगवान नहीं है, और गलती भगवान से भी होती है, ठीक है। गलती हो गई कोई बात नहीं, गलती हो गई उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सोचो समझो सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सोचो समझो फिर सुधार करो लाड़ लो। और जल्दी से दीजिए देखे आंसर, कितने एक धुरंधर है यहां पे। अरे आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं भाई, क्या होगा आपकी भैंस, आपके भैंसों को डाकुओं को दे दूर मैं, है कालिया चोर तुम्हारी भैंस लेके चला जाए रे तुम्हारी, अरे बावली तरेडो है, सरकारी गद्दीर वजन ना उठाए, ये आंसर है तुम्हारे हैं। एक तो आप खूबसूरत बहुत, ऊपर से आंसर आपके ये, क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा।
देखो, चार पांच बारह उनचालीस और 160 ये लिखा हुआ है। अब देख लेना आंखें खोल के, क्या खोल के, आंखें खोल के, और फिर जिसने लाइक नहीं किया ना एक बार लाइक वाला बटन दबा देना भाई। गुणा एक प्लस एक, गुणा एक प्लस भी एक, गुणा दो प्लस भी दो, गुणा तीन प्लस भी तीन भाई, गुणा चार प्लस भी चार, और गुणा पांच प्लस भी पांच, और जब इसको हम पांच से गुणा करके पांच जोड़ देंगे तो 805 आंसर आ जाएंगे मेरे लबदू। अरे मेरी लाडलियो, पापा की परियो, मम्मी के मगरमच्छ, पढ़ाई करते नहीं हो तुम, क्या नहीं करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो। चलिए अब अगले क्वेश्चन आपके समक्ष में पेश कर रहा हूं, देखते हैं कि आपके कितने नंबर आते हैं। हो तैयार तो एक बार बोलो देखे लाड़ दो मेरे साथ भारत माता की, अरे बोलो देखे मेरे साथ भारत माता की। ना भाई जय नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे में तो किसी में मुझे लग ही नहीं रहा कि जोश है, है किसी में जोश तो बोलो देखे, अरे किसी में जोश भी है क्या, है किसी में जोश ना भाई, पूरे ढीले पड़ रखे हो। चलिए बताइए देखिए, आज शब्द एडमिनिस्ट्रेशन में से प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करते हुए कौन सा शब्द का नहीं बनाया जा सकता। अच्छे से देखिए, ध्यान से बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। सिचुएशन, स्ट्रेन, ट्रेडिशन और रेशन, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। कमाल का क्वेश्चन है भाई, कटे सेका वाटी है तो कटे बोली मार वाड़ी, जयपुर की सिटी गुलाबी मारी राजधानी, करू राम राम सा करू खम्मा गणी, आओ सा जी मुसा चुरमु दाल बाटी, इफ यू वांट सम मोर कम टू रणथंभौर। यहाँ पहले से यो हाइनेस है, हेरिटेज भी यहाँ का सबसे फाइनेस्ट है, हर चीज में है दिखता कल्चर, एवरीथिंग हाई क्लास नथिंग वल्गर, लुक 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 माय ब्रदर ही रिस्पेक्ट योर मदर, केसरिया बाल में आवो जी मारी घूमर छे नकराली जी, केसरिया बाल मार हो जे ऊंटा पे सवार, पीरंगी कचर पचर बोले है सुनो अंग्रेजी, राजस्थान धरती धोरारी, राजस्थान धरती धोरारी, बहुत ही गजब का सॉन्ग है भाई राजस्थान का। पता ही देखें सभी ने आंसर दिया है कि गुरुदेव ए आंसर होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपने बोला यहां पर एस ऊपर है, आई भी ऊपर है, टी है, यू यू तो कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। क्या बात है भाई, आपने तो पकड़ लिया है। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके समक्ष। बताइए यदि किसी कूट भाषा में इसको इस रूप में लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में इसको किस रूप में लिखा जाएगा। बताइए देखे लाड लो किसमें कितना है दम, जल्दी से। अच्छा साइड में रहूं, ओके ओके भाई, क्षमा चाहता हूं आपसे, बहुत ही दिल से क्षमा चाहता हूं, एक बार माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसी गलती ऐसी खता नहीं करेंगे। बताओ देखिए क्या आंसर आएगा, बताइए देखिए लाड लो क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी, अरे जल्दी से बताओ देखिए मेरे लाड लो जल्दी से। और जिसने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया लाड लो लाइक और शेयर ठोक दीजिए लाड लो। एक चीज और बता दूं, हमारी एकेडमी जो कि कुचामन सिटी राजस्थान में 8/11 से लेकर 15/11 तक एडमिशन ओपन है, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसएसबी हेड कांस्टेबल और आर्मी जीडी के गारंटेड वे चलते हैं लाड लो। हमारी एकेडमी जो कि कहां है, कुचामन सिटी राजस्थान में, आप आके तैयारी कर सकते हैं लाड लो हमारे साथ। देखो क्या हुआ लाड लो, प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन, तो हम भी क्या करेंगे प्लस तीन करेंगे, एफ आ जाएगा, प्लस तीन करेंगे किसमें, ओ कितने पता 15 और प्लस तीन कर देंगे 18 पे क्या आ जाएगा भाई, आर आ जाएगा। वी कितने पे आता है भाई 22 और प्लस तीन करेंगे तो एक्स वाई जेड वाई आ जाएगा भाई, तो ये बन गया भाई आपका। हाँ जी नंबर चार, और इस बार ऐसा जी जीडी बाहर मेरे लाड लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक विशेष सांकेतिक भाषा में एक संख्या को जो 1 3 4 7 9 है को एक
QF JL के रूप में लिखा जाता है और 52868 को इस प्रकार लिखा जाता है। तो 39 68 24 को किस प्रकार लिखेंगे लाडलो? खेल सिर्फ नजरों का है, ठीक है, कि नैना रे तू ही बुरा, तुझसे बुरा ना कोई, खुद ही दिल का रोग लगाए और खुद ही बैठा रोई। ये सारे काम नैन से तो शुरू होते हैं लाडलो, किससे? आंखियों से गोली मारे लड़की कमाल है। तो नैना रे तू ही बुरा, तुझसे बुरा ना कोई, खुद ही दिल का रोग लगाए रे खुद ही बेटा रोई। जल्दी दीजिए, देखिए आंसर क्या होगा। लगभग लगभग सभी का सही आंसर आना चाहिए। देखो बेटा, तीन को किस प्रकार कोडित किया है? क्यू के रूप में कोडित किया है। किसके रूप में? क्यू के रूप में, तो इसका लिख देंगे हम क्यू। नौ को किस प्रकार कोडित किया है? एल, तो क्यू एल सभी में है। लीजिए जी भाई, क्यू एल सभी में, तो पी भी सभी में है। तो हम देखते हैं आठ, आठ को किस प्रकार कोडित किया? एन, तो एन किसमें? इसमें एम है। अच्छा, चौथे नंबर पे पी सभी में है, और फिर आ गया आगे लाडलो क्या आ गया? आठ किसको कोडित किया? एन को, तो एन। दो किसको कोडित किया? देखो दो एम को, और उसके बाद में बचा चार, चार किसको कोडित किया? एफ को। तो क्यू एल पी एन एम एफ, नंबर चार जिसका आया है उसको हो गया है प्यार, क्योंकि उसका आंसर है नंबर चार। चलिए अगला क्वेश्चन। गुप्त जैसे खुला से संबंधित है, वैसे ही चुपचाप किसे संबंधित है? शायद, अशिष्टा, शोर और चुपा चाप। इसका आंसर बताओ। देखे लाडलो है दम, तो बताइए देखे आंसर इसका किस किस में है दम? माइके लाल, बता देखे आंसर क्या होगा मेरे माइके लाल। पापा की परी और मम्मी के सर आई एम कमिंग सर कॉल रिप्लाई नहीं करते हैं लाडलो, कॉल पूरे दिन बिजी चलता है, और कल से आपके लिए कॉलिंग के लिए एक नंबर और दिया जाएगा। मुझे पता है आपकी कॉल अटेंड नहीं हो पा रही है, क्योंकि थोड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि अब कॉल बहुत ज्यादा आ रहे हैं बेटा। जल्दी से बताइए भाई, बताइए कि कुछ देर की है खामोशी, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। बताइए लाडलो क्या होगा? अब तो आपको हिंट मिल गया है कि कुछ देर की है खामोशी फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। देखिए लाडलो, गुप्त जिस प्रकार खुला से संबंध है, कहने का मतलब गुप्त का अपोजिट यानी विलोम शब्द क्या होता है? खुला। तो उसी प्रकार चुपचाप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? शोर। क्या हो जाएगा? शोर। अरे मेरे चोर, आंसर हो जाएगा शोर। अगला आंसर देखिए कि जिस प्रकार किताब पृष्ठ एल्बम, ये बताइए भाई, गजब का क्वेश्चन है। किताब पृष्ठ एल्बम क्या होगा? किताब पृष्ठ एल्बम क्या होगा? जल्दी बताओ देखे लाडलो क्या होगा एल्बम का? अरे किताब पृष्ठ, किताब पृष्ठ, तो एल्बम क्या होगा लाडलो? एक गजब की बात बताऊं, एसएससी जीडी की कट ऑफ पूछने वालों को लाडलो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एसएससी जीडी की कट ऑफ कितनी जाएगी, इस बार पेपर का लेवल क्या रहेगा? और लाडलो मैं आपको बताऊं कि जब एसएससी जीडी 2015 वाली वैकेंसी में जिसमें मैं लगा था सीआरपीएफ ज्वाइन की थी, मैं आपको बता दूं 2017 में, मैंने आप में से कईयों को नहीं पता होगा, मैंने 2017 में सीआरपीएफ ज्वाइन की थी उस समय, और इस समय की कट ऑफ में थोड़ा सा अंतर आने वाला है, बहुत ही शानदार। उसमें अंतर क्या है, या 2018 वाली, ये 2015 वाली में मैं लगा था, उसके बाद में एक वैकेंसी हो गई एसएससी जीडी 2018 वाली, मैं आपको बताता हूं इसमें और इसमें अंतर कितना रहा था कट ऑफ में, तो वही अंतर आप इसमें पकड़ लेना, ठीक है? कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत ज्यादा। ये म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, एक बार और बजा दो। अच्छा देखो कट ऑफ के बारे में, देखो लाडो जिस वैकेंसी में मैं लगा था 2017 में, उस समय राजस्थान की मेरिट रही थी 78 पर, सबसे लो रही थी सीआरपीएफ, ठीक है, और उसके बाद में बीएसएफ। लेकिन इस बार राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ 2018 में, ध्यान रखना सीआरपीएफ ने टॉप मारा है, आईटीबी भी डाउन गई है। तो हर बार नई वैकेंसी अप करती है, लेकिन एक चीज बताऊं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर फर्स्ट चॉइस के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा,
कि अगर हमको फर्स्ट चॉइस लेना है तो कितना नंबर लाना पड़ेगा। थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं, लेकिन आपके लिए जरूरी बात है, समझिएगा बात को, कि एसएससी जीडी 2015 जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था और एसएससी जीडी 2018 इसके मेरिट में क्या अंतर था। ज्यादा डिफरेंस नहीं था, मेरिट के आंकड़ों में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 78 मेरिट गई थी और उस समय भी मेरे जो नंबर थे वो 84 नंबर थे, उसके बाद में 3 नंबर प्लस हो गए थे क्योंकि 3 क्वेश्चन गलत थे, 87 नंबर हो गए थे, ठीक है। तो लाड लो, यहां 78 गई थी, इस बार थोड़ी सी ऊपर चली गई 1-2 नंबर, लेकिन इस वैकेंसी और इस वैकेंसी में अंतर नहीं था। सिर्फ अंतर क्या था कि हमारे समय ऑफलाइन पेपर हुआ था, ऑफलाइन पेपर हुआ था, इसमें समय 2 घंटे मिलते थे। कितने मिलते थे भाई? 2 घंटे 100 क्वेश्चन के लिए। और एसएससी जीडी 2018 वाले में क्या हुआ? ऑनलाइन पेपर हुआ और समय 90 मिनट, समय में कटौती कर दी थी, तो मेरिट में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि समय भी तो कम कर दिया था, बात को समझिएगा, समय भी तो कम कर दिया था। तो अब इस वजह से क्या हुआ था कि राजस्थान की मेरिट पहले जितनी जाती थी उतनी रही, ज्यादा कोई बहुत बड़ा अंतराल नहीं आ गया, थोड़ा बहुत आया 1-2 नंबर का, और वो भी एक स्पेशली किसी पोस्ट से जनरल और ओबीसी में, बाकी एससी एसटी में तो बहुत कम। अब एसएससी जीडी 2015 वाली से 2018 वाली 18 और 19, इसमें 2021 में जो आपकी वैकेंसी हो रही है एसएससी जीडी की, इसमें 18 और 21 वाली वैकेंसी में क्या अंतर है? 2021 वाली वैकेंसी में क्या अंतर है? एक बहुत ही बड़ा अंतर है, वो क्या है? 1/4 की माइनस मार्किंग, 1/4 की माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक नंबर कम कर दिया जाएगा। कितना नंबर कम कर दिया जाएगा भाई? 1 नंबर कम कर दिया जाएगा। तो इससे मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सबसे ज्यादा समस्या पैदा करता है। तो मैं बताऊं, मेरिट पर 100% प्रभाव पड़ेगा इसका, लेकिन उतना भी मत सोच लेना कि बहुत फर्क पड़ेगा। हां, एक आपका बहुत बड़ा डर है जो दूर कर देता हूं मैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे यहां से 87 पे मेरिट गई है, हमारे यहां पे 85 से मेरिट गई है, हमारे यहां पे 80 पे मेरिट गई है, अरे हमारे यहां पे 90 पे मेरिट गई है। अरे लाड लो, जो मेरिट के जो आप आंकड़े देख रहे हो नॉर्मलाइजेशन के बाद के हैं, रियल पेपर में उनके उतने नंबर नहीं है, ये गलत फहमी आप दूर करिए, आपको पता नहीं है, रियल पेपर में उनके उतने नंबर नहीं है। अरे 95-98 नंबर बने हैं, क्या रियल पेपर में कोई ला सकता है 98 एसएसजीडी के में? सवाल ही पैदा नहीं होता, अजी सवाल ही पैदा नहीं होता मांडोली करने का। क्यों? एसएससी जीडी का पेपर है बेटा, कोई अचार थोड़ा ना जो चटका कर गए, ना 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 ना। तो बेटा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद के नंबर है। नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ था, नंबर 15-15, 20-20 प्लस हुए थे। कितने कितने? 20-20 नंबर भी प्लस हुए हैं नॉर्मलाइजेशन में, आपके भी होंगे, लेकिन इस माइनस मार्किंग की वजह से आपकी जो इस बार की कट ऑफ रहेगी एसएससीजीडी की, पिछली कट ऑफ का आप आंकड़ा पकड़ लीजिए, जो आप आंकड़ा पकड़ रहे हैं, आपके जो डिमोटिवेट हो रहे हैं ना, जिसके कारण कि सर मेरे तो 75 नंबर ही आ रहे हैं पेपर में, सर मैं तो टेस्ट मिला रहा हूं मेरे 60 नंबर ही आ रहे हैं, सर मैं तो मॉडल पेपर दे रहा हूं मेरे 45 आ रहे हैं। अरे लाड़ले, जो उनके एसएससी नंबर 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 आ रखे हैं ना, वो रियल नहीं है, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, पहले आप देखिएगा। नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे बच्चों के 15 प्लस मार्क हुए हैं तो उनके 95 हो गए। अब आप बोलोगे पेपर में 95 लाया, नहीं रे पागल है क्या तू, 95 ला ही नहीं सकता, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़े हैं। जिसका पेपर इजी होता है उसके कम हो जाते हैं, जिसका हार्ड होता है उसका नंबर बढ़ा दिया जाता है, और ये शिफ्ट के अनुसार औसत से काम होता है पूरा का पूरा। तो अब इस बार कट ऑफ क्या जाएगी उसके बारे में अगर मैं बताऊं, तो लाड़ दो 1/4 की माइनस मार्किंग है। तो सबसे पहली बात तो ये कि तुक्का पत्तिकांत हो गया है, किसका? कि तुक्के नहीं चलेंगे इस बार। तुक्का नहीं चलने से बहुत सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और उनको टाइम लग जाएगा ज्यादा, क्योंकि माइनस मार्किंग का जो डर है उसकी वजह से उनको टाइम ज्यादा लगेगा। तो ज्यादातर बच्चों के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो होगी टाइमिंग की। तो आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको एक गजब की बात बताऊं, 1,00,000 रुपए की। कितने की? 1,00,000 रुपए की, बिल्कुल फ्री में बता रहा हूं, बात सुनिएगा, आपके काम किए लाड़ दो। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, क्या बोलता है? एक्सपीरियंस बोलता है, याद रखना जो क्वेश्चन नहीं आए उसको स्कीप कर देना, क्या कर देना? स्कीप, एक सेकंड भी मत सोचना, स्कीप तुरंत, बाद में सोचना जब समय बचे तो, नहीं तो स्कीप कर देना। बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे, करूं कि नहीं,
करूं कि नहीं, तुक्का मारूं कि नहीं, तुक्का मारूं कि नहीं, उनका टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए 100% कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। बस आप गलतियां ना करें, पेपर को अच्छे से अटेंड करें। अंतिम क्वेश्चन तक आपको पहुंचना है। और एक गजब की बात बताऊं आपको, कमाल की लाख रुपए की एक और याद रखना, मैथ और रीजनिंग इनमें याद रखना, जब स्टार्टिंग में मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं 1 से 10 तो ये क्वेश्चन हार्ड होते हैं, ध्यान रखना। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। आपका मनोस्थिति चेक करने के लिए क्वेश्चन शुरुआत में हार दिए जाते हैं, इनकी वजह से आपका माइंड खराब हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। और फिर आप जो इजी क्वेश्चन होते हैं पीछे के 10 से लेके 25 तक, वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाते। ये हर एक एग्जामिनर की सोच होती है कि शुरुआत में क्वेश्चनों को हार दे, ताकि इसका क्या मनोबल देखे कितना आगे। इसमें ध्यान रखिएगा इस बात का, रीजनिंग में भी ऐसा होता है। इसलिए अंतिम क्वेश्चन तक पहुंचने, अंतिम क्वेश्चन तक पहुंचना बेहद जरूरी है। आपको अंतिम क्वेश्चन तक पहुंचना बेहद जरूरी है। इसलिए जो क्वेश्चन समझ नहीं आए स्किप कर देना बेटा, गलती मत करना, गलती के माइनस में आ जाओगे, ठीक है? तो इसलिए जब क्वेश्चन हार्ड दिखे स्किप, ये मत सोचना कितने नंबर आ रहे हैं। अब आप बोलोगे गुरुजी तुक्का कब मारे, तो बेटा अब आपको यह पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी 2018 में आपकी मेरिट कितनी गई थी। अब मान लो राजस्थान का है और जनरल कैटेगरी से, किससे? जनरल से, और उसके नंबर आ रहे हैं 40। अब इस कंडीशन में क्या करेगा भाई वो, 40 में वैसे भी उसके काम नहीं बनना, तो वो तुक्का मार ले भाई, क्या पता किस्मत अच्छी और तुक्का काम आ जाए, ठीक है? तो वो तुक्का मार ले, बाकी तुक्का ना मारे। अब बताओ देखें, किताब पृष्ठ एल्बम, कथा साहित्य पृष्ठ, तस्वीरें और ज्ञान, जल्दी से बताओ देखें, जल्दी से लाड़ लो, जल्दी जल्दी। हाँ, जिसके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है सरपंच के पड़ोसी। देखो किताब, किताब बनाने के लिए पृष्ठ की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है? पृष्ठ की जरूरत होती है लाड़ दो। उसी प्रकार एल्बम बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तस्वीरें। अरे तस्वीरों के बिना एल्बम किसका बनाओगे? तस्वीरों के बिना किसका एल्बम बनाओगे ये बताओ। सरी सर्प जैसे चिपकली है, सरी सर्प जैसे चिपकली के लिए है, वैसे ही फूल, गजब की बात है भाई। आंसर दीजिए, लाख रुपए का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल फ्री में आपके लिए, कि सरी सर्प जिस प्रकार चिपकली से संबंधित है, उसी प्रकार फूल पत्ती से, तना से, गुलबहार से और मगरमच्छ यानी घड़ियाल से, बताओ भाई। सरी सर्प कमाल का क्वेश्चन है, दीजिए देखिए आंसर किसमें है दम। और लाडलो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार और शेयर नहीं किया है, तो फिर बहुत गलत बात है भाई, जल्दी बताओ देखिए लाडलो। आप में से ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर दे दिया भाई, ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर दे दिया है। अरे तेरा क्या होगा रे कालिया, पालिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, ओहो मेरे सोना तुम नहीं जाना है। अरे वाह रे वाह, देखो सरीसर्प चिपकली यानी सरीसर्प एक प्रकार की क्या लाड़ दो, चिपकली यानी चिपकली को हम क्या बोलते हैं, सरीसर्प बोलते हैं ना। उसी प्रकार फूल गुलबहार, एक फूल है गुलबहार, एक फूल है लाड़ लो, क्या है? गुलबहार एक फूल है। चलिए जी अगला, पत्रिका संपादक से वही संबंध रखती है, उसी प्रकार फिल्म का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया एसएससी जीडी में और उम्मीद है कि किसी न किसी शिफ्ट में इस बार भी पूछा जाएगा। पत्रिका संपादक से वही संबंध रखती है जो फिल्म, लाड़ लो पत्रिका और संपादक का जो संबंध है फिल्म का किससे? जल्दी से देखे, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं, जल्दी से भाई पोल क्रिएट करो, देखे लाड़ लो, कहीं देखे वोट लाड़ लो, जोश कम होता नजर आ रहा है आपका, जल्दी से दीजिए देखे। जल्दी जल्दी देखे लाड़ लो, आप में से ज्यादातर लोग गलत आंसर ठोक रहे हैं भाई, तुक्का मत मारो बेटा, तुक्का मत मारो। हाँ जी विकास कुमार जी आपका गलत है, शिवम कुमार आपका सही है, विकास ये क्या, विक्की आपका सही है, निशा जी सही है, सागर जी गलत है, अंकुश गलत है बेटा,
कमेंट ठोकिए भाई, जल्दी से कमेंट ठोकिए। देखे लाडलो के पत्रिका का संपादन से वही समझ, देखो लाडलो जो पत्रिका होती है ना पूरी की पूरी किस पे डिपेंड करती है, संपादक उसका निर्देशन करता है कि यहाँ पत्रिका में ये छपेगा, ये होगा, वो होगा। उसी प्रकार एक फिल्म है उसको एक निर्देशक यानी जो डायरेक्टर होता है वो डिसाइड करता है कि इस प्रकार बनेगी मेरे लाडलो। ठीक है, चलिए जी अगला बताइए। तिपैया, त्रिशूल, छोटी सी बात, तिरंगा, बताओ। देखिए विषय को चुनिए भाई, विषम को चुनिए, तिपैया, त्रिशूल, छोटी सी बात और तिरंगा, इनमें से अलग कौन सा है? जल्दी से बताओ कि कौन सा अलग है भाई। सर जी आपका मूछ डर लगता है सर, अरे मूछ होनी चाहिए भाई, आप बोलोगे क्यों होनी चाहिए, आप बोलोगे गुरुजी मूछ क्यों होनी चाहिए, तो देखो कि माया बादल जू बेली वर तिरवाई जू जाय आगड़ी कायर नर बेली कर नर मूछ वाला खाई, राजस्थान में बहुत है। ठीक है, चलिए बताइए कि तिपैया, त्रिशूल, छोटी सी बात, तिरंगा, लाड़ दो इनमें से अलग कौन सी है? बहुत ही आसान आंसर है लेकिन फिर भी आप नहीं दे पा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी गलती है आपकी। एक बात याद रखना, सुबह 9 बजे सभी पधार जाना लाड़ लो, स्टेट जीके की शानदार क्लास होती है सुबह 9 बजे, फिर 3 बजे हिंदी की क्लास और मॉर्निंग में 7 बजे मैथ की क्लास होती है। इन क्लासों को छोड़ना नहीं है लाड़ लो, जब तक एसएससी जीडी को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और हर रोज रात 8 बजे ये शानदार धमाकेदार क्लास है आपकी। देखो लाड़ लो, तिपैया तीन पहिया होता है इसमें, तिरंगा तीन रंग होते हैं इसमें, त्रिशूल तीन इसमें वो तीर होते हैं, छोटी सी बात बिल्कुल अलग है, छोटी सी बात बिल्कुल अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, इनमें से विषम छाटना है, अलग कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ब्रह्मांड, अलग कौन सा है बताइए। देखिए इनमें से अलग कौन सा लाड़ लो बताया, देखो जल्दी बताओ। देखे लाड़ लो, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, अरे तुम्हारे तो नक्षत्र बदल जाएंगे अगर ऐसे ऐसे जीडी में लग जाओगे ना, तो घर पे हर रोज बैठे वो आएंगे बेटा देखने के लिए कि जी तुम्हारे लड़का बताया है एक रंग सही काला भी होगा, कोई ना कहेगा काले की बहू, फौजी की बहू कहेगा है वो काले जेली बाज दी सकी नने कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो, काली हो स्कूटी होते काला तेरा लैपटॉप, काले 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 तेरे बाल नी कि नहीं चलिस्ट दिल रेंद तोड़ने तो, किन्ने के बना दी मही वाल नी, डर दी एक करके क्लिक अपलोड कर देती हाँ जी सहज बुक तर। ओ लाड़ लो, आप में से ज्यादातर लोग, मैंने पहले ही बोला था कि 90% फेल होंगे, कितने परसेंट? 90% फेल और हो गए हैं, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। अगर तुम चाहते हो कि पड़ोसियों के छाते पे डीजे बजाए तो आंसर सही दे दो बेटा, नहीं तो पड़ोसी तुम्हारे छाते पे मूंग दड़ेंगे डीजे, और अगर तुम चाहते हो कि पड़ोसियों की छाती की तरफ उधर पड़ोसियों के घर की तरफ डीजे करके ठुमके मारूं मैं ऐसे, तो आंसर सही दे ले बेटा और ध्यान से पढ़ ले, ठीक है? नहीं तो पड़ोसी डेली आके पूछेंगे अरे क्या हुआ तेरा रिजल्ट का, पता उसको ये फेल हो गया है, फिर पूछेगा हर रोज। तो बेटा देख लेना, जल्दी बताइए। देखिए आंसर, सर आपकी एज कितनी है भाई? 26 एज है मेरी, और हाँ मैं शादीशुदा हूं भाई, ध्यान रख लेना। और आपको विश्वास नहीं है तो मेरा दूसरा एक चैनल है कमांडो लव लाइफ, वहां से आपको पता चल जाएगा भाई मैं शादीशुदा हूं। एज तो पूछिए, गुरुदेव आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, मैं गालियां भी बहुत अच्छी देता हूं बेटा, अगर आंसर सही नहीं बताया ना तो पेट में खाया हुआ सड़ा दूंगा, इसकी गारंटी, इतना भयंकर गाली देता हूं। देखो सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र ये तीनों के तीनों ब्रह्मांड का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो अलग कौन हो गया? ब्रह्मांड हो गया, क्योंकि ब्रह्मांड में ये तीनों आते हैं, सूर्य भी, चंद्रमा भी और नक्षत्र, तीनों के तीनों किसमें आते हैं बेटा? ब्रह्मांड में आते हैं। हां जी अगला देखिए,
चूहा, गिलेरी, नेवला और छछुंदर। अरे बता दे मेरे चूहे, क्या होगा सही आंसर? चूहा, गिलेरी, नेवला और छछुंदर। बताओ देखे कौन सा अलग है, अरे बताओ कौन सा अलग है जल्दी से। और हाँ ताल ठोक के आंसर देना है, जब फौजी की तरह कि गुरुजी लॉक कर दो इसको 100% दावे के साथ आंसर सही होगा, वही आंसर देना। दो घूट पानी जीने तक। वाह सर जी आप बहुत मजाक करते हैं। अरे जिंदगी झंड हो रखी है, मजाक ही बचा बस, ठीक है? तकलीफों से भरी है जिंदगी, बस मजाक बचा तो कर लीजिए बेटा। बताइए भाई, जल्दी बताइए। आप में से ज्यादातर लोग गलत हो गए हैं भाई। अब मैं आपको बताऊं कि आप में से कितने लोग गलत हो गए हैं। ओहो, अरे आप तो बहुत गलत हो गए हैं भाई, बहुत ज्यादा गलत हो गए, हद से ज्यादा गलत। चलिए अंतिम 10 सेकंड आपके पास में, 10, 9, 8, 7, 6, 5 कमेंट करिए, देखिए जल्दी से, 4, 3, 2, 1। अरे आप तो सारे के सारे, आपकी ढानियां उठ गई है, जाएगी लाड लो गिलहरी। क्या होगी? गिलहरी अलग होगी, क्योंकि नेवला, चूहा और छछुंदर, एक छछुंदर इधर भी खड़ा है, ये सब कहां रहते हैं? बिल में। और जो गिलहरी होती है ना, ये घोंसला बनाती है, टालोडी बोले इसको राजस्थान में, टालोडी, ठीक है? ये क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। बाकी ये तीनों के तीनों बिल में रहते हैं। कीवी, उकाब, पेंगुइन और शत्रुमुर्ग, बताओ देखें इनमें से अलग कौन सा है? बता रहे, इधर आ तो, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, देखो तुम्हारे को इंसान से मिलाता हूं, इधर आ, इधर आ। अब ये बताएगा इसका आंसर, बता। ओ भाई क्या होता है कीवी? अच्छा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये क्या है? उकाब, पेंगुइन, भाई तुम बताओ रे। सरपंच के पड़ोसी उकाब बता रहा भाई। बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, नहीं तो ये बता देगा तुम्हारा दोस्त, इधर आ। सही है, बता। अरे नाम नाम रोशन कर दिया इसने तो, वाह भाई नाम रोशन कर दिया इसने तो, देखो डॉन है भाई ये कमांडो अकेडमी का। हाँ जी डॉन है, डॉन है ये, इधर आ, इधर चलो आपको देखो इंटरव्यू कराता हूँ इसको, इधर आ। हाँ ये सही है, इसको पता सही नहीं हुआ तो पापा कहीं सुबह कॉल करके फिर डांट सुनाएंगे भाई। है इसकी क्लास लग रही थी उधर, उधर तुम्हारी ले ली तो, कितने बजे तक पढ़ता है रात को? सही बता, 12 बजे तक, 12 बजे तक ये बोल रहा भाई, 12 बजे तक पढ़ता हूँ, 12 बजे तक। और सुबह कितने बजे उठा? उठा उठाया गया है से बोलो, उठाया गया था भाई, उठते नहीं है, उठाना पड़ता है। कल उठाया था, बाकी मैं उठ जाता। अच्छा कल उठाया था, बाकी तो उठ जाता डेली। और मैंने कितनी बार उठाया है? अच्छा देख लेना भाई, क्या नाम है तेरा? नाम बता। डॉन। देखा है? अरे इनकी क्लास खत्म हो गई है तो इधर से ये मुंह निकाल रहा है ऐसे चूहे की तरह, ठीक है? बोल रहा गुरुजी तेज बोल रहे हो, गुरुजी आवाज ही तेज है भाई, काम मरे क्या गुरुजी? अरे तो मेरी आवाज ही तेज है। हाँ तो बाहर कान में ठूस लो, उधर क्लासरूम में बैठ के पढ़ लो। देखो लाड़ लो, इसमें होगा उकाब, क्योंकि सुन ले ओए, कीवी, पेंगुइन और शत्रुमुर्ग है तो तीनों पक्षी, लेकिन ये उड़ नहीं सकते, ये उड़ नहीं सकते। और जो उकाब होता है ना,
ये उड़ सकता है। कीवी फल होता है लेकिन कीवी पक्षी भी होता है। यहां पर पक्षी से मतलब है उकाब पक्षी होता है, जो उड़ने वाला पक्षी होता है उकाब। कीवी उड़ता नहीं है। नहीं नहीं यार फल नहीं है। जल्दी रहो। हरी से परिचय कराते हुए वीणा ने कहा वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। वीणा का हरी से क्या संबंध बताओ देखे जल्दी से। बताओ देखे लाड लो जल्दी। तो कि हरी से परिचय कराते हुए वीणा ने कहा, किसने कहा देख लो लाड लो, वीणा ने कहा, किसने कहा है, वीणा ने कहा हरी से परिचय कराते हुए कि वह मेरे पति की पत्नी यानी खुद की बेटी का भाई है। यानी खुद की बेटी का भाई तो क्या हो गया भाई। तो वीणा हरी से क्या संबंध रखती है, वीणा हरी की क्या हो गई भाई, अरे माँ हो गई ना। हाँ जी माँ हो गई लाड लो। और आपको भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, आपकी माँ जो उम्मीद लगाए आपसे बैठी है उसको इस बार पूरा करना भाई, ठीक है। इस बार एसएससी जीडी में याद रखना कि इस बार की तैयारी आपकी अपनी माँ के लिए, ठीक है, उसका सपना पूरा करना है मेरे लाड लो। कि अगर आपने एक बार सोच लिया कि अपनी माँ की इच्छा पूरी करनी है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि माँ के आशीर्वाद के आगे सब फेल हो जाते हैं लाड लो। ये बहुत ईजी है, इधर उधर मुड़ना है, मुड़ लोगे तुम। इसका बताओ भाई क्या आएगा अगला, बताओ देखे। 14, 15, 19, 46 और 62 गजब का क्वेश्चन है, आपको 64 के घेर में डाल देगा ये, बताओ देखे जल्दी से। हाँ जी लाड लो, इस बार की तैयारी आपको ये मान के चलना कि मैं अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। किसके लिए, अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से तैयारी करना। जल्दी बताओ, ये मेरा दोस्त है, इसका आंसर बता दो भाई क्या होगा। मान जाएंगे कि आपकी तैयारी बहुत ही तगड़ी है। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया भाई 3000 लाइक पार होने चाहिए, अब तक सेशन 3000 लाइक पार होना चाहिए। काहे बचा रहे हो भाई और क्यों इतना शर्मा रहे हो भाई, जल्दी से बताओ देखे, जल्दी बताओ देखे लाड लो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दो। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया देखे, अब तक एक झटके में देखे 300 पार होना चाहिए लाइक, 3000 पार एक झटका। आपका ये लाइक हमारा मनोबल और हौसला दोनों बढ़ाता लाड लो। तो उसके लिए लाइक चाहिए और किसी काम के लिए नहीं, ठीक है, सिर्फ उसके लिए लाइक चाहिए। आप आपकी जो हौसला अफजाई है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, और क्वेश्चन आपके लिए बेहद जरूरी है। बताइए दिखाइए अपना दम। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, कमाल की बात है। देखो बेटा सबसे पहले 1 का क्यूब इसमें जोड़ा गया, फिर इसमें 2 का वर्ग जोड़ा गया, फिर इसमें लाड लो 3 का क्यूब जोड़ा गया, फिर इसमें लाड लो 4 का वर्ग जोड़ा गया, और इसमें 5 का क्यूब जोड़ा जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है 125, और जब इसमें 125 जोड़ेंगे तो 187 हो जाएंगे। बात समझ आई भाई, अरे बात क्लियर है, क्लियर है बात भाई। 3000 लाइक पार होने चाहिए इसी झटके में भाई। कौन कंजूस है भाई जो लाइक नहीं मार रहा फौजी की क्लास में, अरे फौजी तो दिलेर होते हैं भाई। ये अच्छा इसमें थोड़ी गलती कर दी टाइपिस्ट ने, बहुत सारे डॉट बना दिए। बताओ देखे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। जल्दी बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा लाड लो, जल्दी जल्दी। और ध्यान रखना लाड लो, जिसने अभी तक एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज नहीं ली है, कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां से ले सकते हो, मात्र 50 रुपए ऊपर, मात्र कल तक है लाड लो, मात्र 50 रुपए में ले सकते हो आप। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसएसबी हेड कांस्टेबल और आर्मी, तो इन सभी के बीच लाड लो 8 से 15 तारीख तक इनके एडमिशन शुरू है, आप ले सकते हैं एडमिशन, ठीक है। हमारी अकेडमी कहां पर है लाड लो, कुचामन सिटी राजस्थान में, कुचामन सिटी राजस्थान। जल्दी से आंसर दीजिए देखें, और हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी आंसर दीजिए भाई। अरे भाई एक बार में कहने से हो जाना चाहिए, 3000 लाइक तो पार हो का ही नहीं रहा है मेरे यार। देखो बहुत इजी, ये क्या है, ये कौन मूर्ख है जो आंसर बता रहा है 45। अरे तुम्हारा तो बेड़ा घर को रखा है भाई, मैं तो देखा ही नहीं उधर। एक बार लास्ट बार कमेंट करिए देखे, मैं कमेंट पढ़ता हूं भाई। देखे बहुत यहां तो सूर है, बहुत ज्यादा सूर है भाई।
ये 27 बताने वाले रही, तो बहुत ज्यादा सूर है मेरे को, मैंने तो देखा ही नहीं इनका, ये 27 भी आंसर बता रहे हैं। वाह भाई वाह, कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी में बहुत इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमी, सारा आसमान अभी बाकी है। लाड लो और आंसर सही दीजिए, ऐसे मत करिए भाई, आपने तो वो क्या बोलते हैं वो कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया आपने तो है। अरे आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया, आपने तो आंसर देखो पहले अपने, बहुत ईजी क्वेश्चन, 2 का वर्ग -1, 4 का वर्ग -1, 6 का वर्ग -1, 35, इतना ईजी क्वेश्चन है ये। यहां पर 8 का वर्ग -1, 10 का वर्ग -1, 12 का वर्ग -1, पर इतना ईजी क्वेश्चन है, आपने तो पूरा का पूरा मतलब अब आ रही है भाई आवाज, अरे आवाज रुक नहीं सकती भाई हमारी, आएगी हम फौजी आदमी, कितनी देर रुकेगी आवाज, ऐसे चिल्लाएंगे तो भी सुन जाएगा, माइक की जरूरत नहीं है, ऐसे सुना देंगे तुम्हारे को। फिर क्या किया, गुना 2 + 1, तो 15 को 2 से गुना करेंगे 30 + 1 = 31, लाड दो 31 को 2 से गुना + 1 करेंगे तो 63 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 31, यानी गुना 2 + 1 गुना 2 + 1 गुना 2 + 1, ये क्रम चला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा जल्दी से बताओ भाई, ये फेवरेट वाले क्वेश्चन है मेरे, बताओ देखे, पी क्यू आर आर एस टी एन एम एन ओ, आगे क्या आएगा लाड लो, पी पी क्यू आर, बहुत ईजी है देखो, एन एम ओ पी, फिर वापस पी से पी क्यू आर, फिर वापस आर से आर एस टी, क्या आ जाएगा भाई, पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ए फ्यू मिनट एगो, हाँ जी थोड़ी सी देर पहले नहीं आई थी, अब तो आ गई है ना, बताओ कर्मचारी पुरुष और भाई, आप बता दीजिए कि कौन सा चित्र बिल्कुल 100% डिसाइड करेगा, मान जाएंगे कि आपकी तैयारी बहुत तगड़ी है, स्पेशली मैं आपके कमेंट देख रहा हूं इस बार, बताइए भाई कर्मचारी पुरुष और भाई कौन सी आकृति इसको सुव्यवस्थित करती है, बताओ देखे जल्दी से बताओ देखे लाड लो, कौन सी आकृति इसे सुव्यवस्थित करती है जल्दी से बताओ देखे, जल्दी बताओ देखे लाड लो, आप ज्यादातर लोग गलत आंसर दे रहे हैं भाई, जल्दी बताइए लाड लो जल्दी, ज्यादातर लोग आपके बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं बेटा, बिल्कुल गलत आंसर, मैंने बोला ना ये वही आंसर बता सकता जिसकी तैयारी बहुत तगड़ी है, चलिए मैं स्पेशली कमेंट देख रहा हूँ किस किस के सही होते हैं और किसका होगा गलत, किसकी हो जाएगी लाड लो नैया डूब जाएगी, कईयों की नैया आज डूब जाएगी, आप में से बहुत सारे लोगों की नैया डूब गई है बेटा, बहुत सारे लोगों की नैया डूब गई है, तैयारी नहीं करते हो मेरे लाडलो। अमित कुमार आपका सही है, लोकेश धवन आपका सही है, पंकज चौधरी आपका सही है, गोपाल गलत है आपका, अंकुश जी गलत है आपका,
भाई देखो, तैयारी कर लो, लाड लो, अंतिम समय। देखो कर्मचारी ये सबसे पहले पुरुष, और जो भाई होगा ना वो 100% पुरुष होगा ही होगा। जो भाई होगा पुरुष ही होगा, लेडीज थोड़ा ना हो सकता भाई। तो ये आ गया इसके अंदर भाई। अब कर्मचारी, तो कुछ पुरुष भी कर्मचारी और कुछ भाई भी कर्मचारी हो सकते हैं। तो ये आकृति बनेगी, ये आकृति है डी में। बात समझ आई बेटा? अंतिम समय मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको मेरी रियल घटना बताता हूँ कि अंतिम समय 9-10 दिन जब मैंने तैयारी की थी 2015 वाली वैकेंसी में, जब तो मैं आपको बताऊँ अंतिम समय में मेरे को खुद को ये लगने लग गया था कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो उस समय मैंने एक चीज सोची थी, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं मॉडल पेपर मारता था तो कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाता था कि किसी पेपर में बिल्कुल भी नंबर नहीं आते थे, 50-60 नंबर भी, बस उससे भी कम कई बार। लेकिन मेरे को एक चीज ये पता थी कि ये मॉडल पेपर है, एसएससी जीडी का पेपर नहीं है ये। सर आपका एकेडमी में आना, एकेडमी में आ सकते हो लाड लो। तो मेरे को ये पता था कि ये मॉडल पेपर है, एसएससी जीडी का पेपर नहीं है। और ईमानदारी से बताऊं, मैं जब भी मेरे पेपर में नंबर कम आते थे ना, मैं एक चीज हमेशा करता था, आंसर लाड लो इसका डी है बेटा, डी आंसर। तो क्या करता था मैं, आपको अपने खुद के मोटिवेशन के लिए मैं लाड़ लो ये सोचता था कि कोई बात नहीं, इस पेपर में अगर नंबर कम आए हैं तो ये पेपर मेरे को ये बताना चाहता है कि अब मुझे क्या पढ़ना है। जब मॉडल पेपर में मेरे नंबर कम आते थे ना, तो मैं ये सोचता था कि ये पेपर मुझे ये बता रहे हैं कि मैं क्या पढूं, ये पेपर मुझे ये मदद कर रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, जब भी आप मॉडल पेपर मारो तो उसमें जितने भी गलत आपके क्वेश्चन होते हैं, उन गलत क्वेश्चन को आप ले लीजिए और क्या करिए, वहां वहां जहां जहां आपकी गलतियां हो रही है उनको सुधार करिए बेटा। आप जितना सुधार करोगे उतना ही मंजिल के करीब पहुंचोगे, इसके करीब पहुंचोगे, मंजिल के करीब पहुंचोगे। ये मत सोचना कि मेरे पेपर में आज मेरी पहली क्लास है। चलिए आप में से बताइए कौन इतने बच्चे हैं जिसकी न्यू स्टूडेंट है, वो लिखे NEW। आज जो मेरी पहली बार क्लास लिख रहे हैं, ले रहे हैं, आप बताइए NEW। ओल्ड वाले लिखिए ओल्ड, न्यू कितने देखते हैं क्लास में आज? तो बेटा जितने भी बच्चे हैं, जो जब भी आप मॉडल पेपर देते हो आपके नंबर कम आते हैं, तो आप ये सोचिए कि ये पेपर कहीं ना कहीं मेरी मदद करना चाहता है, मुझे ये विश्वास दिलाना चाहता है कि अभी मेरी तैयारी में कमी है, मुझे और ज्यादा तैयारी करनी है। और क्या क्या तैयारी करनी है ये मुझे मॉडल पेपर बताता है। क्यों? क्यों मॉडल पेपर में आप क्वेश्चन करोगे। तो लाड लो जितने भी नए हैं आप जुड़े रहिए इस चैनल से, मैं आपको हर एक शिफ्ट का जैसे जैसे जीडी का पेपर होगा आप तक पहुंचा दूंगा। टेलीग्राम के माध्यम से, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कमांडो अकेडमी, आप जल्दी से जाके जुड़ सकते हैं उसमें, ठीक है? हाँ जी, काफी न्यू बच्चे हैं आज, ओल्ड भी है लेकिन नए भी आज बहुत ज्यादा धुरंधर आए रखे। तो जितने भी नए वाले, चलिए एक बार बताइए लाड लो आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको क्या कमी लग रही है और किस टॉपिक पे आज क्लास सही है आपको अगली, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो उससे पहले मैं बता दूं लाड लो, तो जब भी मॉडल पेपर में जितने, जैसे मान लो अगर आपके 50 क्वेश्चन गलत हुए, तो आप इन क्वेश्चन से जिस जिस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन गलत हुआ है उस टॉपिक को क्लियर करिए। अंतिम 10 दिन है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका पूरा रिविजन हो जाएगा और कमजोर पार्ट का रिविजन हो जाएगा, ठीक है? आपको छटनी नहीं करनी पड़ेगी। बेटा एक बार इशारा से करिए, बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है। सुपर सर जी, धन्यवाद बेटा, गुड 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 गुड, अच्छा बेस्ट सर जी, अच्छा धन्यवाद लाड लो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक की बरसात करते रहिए, कमेंट बॉक्स में आप बता देना किसी घड़ी में 3:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। इसी घड़ी में, देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये घड़ी वाला, इसी घड़ी में 3:20, 3:20 मान लो ये 3 यहां पर बजता है, तो 3:20 कितनी मिनट, 20 मिनट में दोनों सुइयों के बीच, 3:20 होगी तो ये यहां पर आ जाएगी, और जो घड़ी वो सुई है वो आ जाएगा यहां पर जहां 4 लिखा होता है वहां पर मिनट वाला। तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण होगा लाड लो, बताओ। देखें आपको पता है 1 मिनट के अंतराल में 6 डिग्री का कोण होता है, कितने का, 6 डिग्री का। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 20 मिनट में सबसे पहले घंटे वाली मिनट कितनी दूरी तय करेगी, 20 मिनट में
20 मिनट में वैसे यहां से अगर यहां तक आप कोण काउंट करोगे तो कितने डिग्री का बनेगा, डाल दो 60 डिग्री का बनेगा, सॉरी 30 डिग्री का बनेगा, 6 डिग्री का तो 5 मिनट में 30 डिग्री का। अब जो मिनट वाली जो घंटे वाली सुई है वो एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 20 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगा बेटा, 10 डिग्री का, तो इसमें से 10 माइनस कर दो, सीधा सा आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बेहद ईजी क्वेश्चन है। हाँ जी 20 डिग्री बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। भाई आपको सीधा सा क्लियर है, चलिए मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर देता हूँ। घड़ी में जो क्या होता है, ये जो आपकी घड़ी होती है मान लीजिए, इस घड़ी में क्या होता है कि एक मिनट में, मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 मिनट में कितना बनाती है लाड लो, टोटल 360 डिग्री का कोण बनाती है, राइट। और जो घंटे वाली सुई होती है ना, वो एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, कितना, आधा डिग्री का। तो जब 20 मिनट पर वो आई है तो घंटे वाली सुई तीन से हटकर यहां हल्की सी इधर आ गई होगी ना घंटे वाली सुई, तो एक मिनट में आधा डिग्री का, तो 20 मिनट में कितना बना देगी बेटा, आप बोलोगे गुरुजी 10 डिग्री का बना देगी, बिल्कुल सही बात है आपकी। और जो मिनट वाली सुई है इसका यहां से लेकर यहां तक का, यानी एक 5 मिनट के गैप में कितना बनाती है, एक मिनट में 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में 30 का, तो इसने 30 बनाया, उसमें से 10 इसको माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो भी बना दी है, वो भी थोड़ी आगे आ गई है, तो बराबर कितना बच जाएगा, 20 डिग्री। चलिए जी अगले में, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप में से कोई भी कर लेगा, ये भी ईजी है। चलिए और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए एक ये बता दीजिए, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। सर आप सीआरपीएफ में, हाँ जी हाँ बेटा, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले का काम वहां पर करिए जहां पर उसकी जरूरत पड़ती है, जहां पर लेदे के काम बोलते हैं ना, जो गुड़ से मरे उसको जहर देने की कहां जरूरत है मेरे लाडलू, जो गुड़ से मरे उसे जहर देने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आई। तो ये तो गुड़ से मरने वाला था, जहर देने की जरूरत ही नहीं है, बताओ देखे इसमें, अरे तो बिल्कुल ईजी है भाई, प्लस चार प्लस चार प्लस चार प्लस चार 25 आ जाएंगे। अब लाड़ दो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको अगली क्लास किसी से, ये साथ ही बता दूं कि हमारी एकेडमी जो कुचामन सिटी राजस्थान जयपुर में है, आप जयपुर से थोड़ा सा करीब है 100 किलोमीटर कुचामन सिटी में, आप राजस्थान पुलिस यूपी पुलिस के स्पेशली और एसएसपी हेड कांस्टेबल के गारंटेड बेच चल रहे हैं, आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, मैं लिख भी देता हूं 9588810608, दिन में कॉल करिएगा लाड दो अटेंड हो जाएगा, 9521061100, ये दोनों कॉल अकेडमी के हैं, आप इन पे कॉल कर लीजिए लाड लो, ठीक है, और आ सकते हो हमारे अकेडमी मेरे साथ ऑफलाइन तैयारी कर सकते हो। अकेडमी अगर आप देखना चाहते हो कैसी कैसी नहीं, तो इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियो जो अकेडमी के छात्रों के साथ भी है और अकेडमी का भी है, आप उसको देख के आ सकते हो और यहाँ पे आके भी देख सकते हो, जो कि कुचामन सिटी राजस्थान में। अभी लाड लो 15 तारीख तक एडमिशन चालू है, फिर एडमिशन बंद हो जाएंगे, 15 तारीख लास्ट डेट है, 15-11 तक एडमिशन शुरू है, आप एडमिशन ले सकते हो, आप लेट आ सकते हो कोई टेंशन, लेकिन एडमिशन, हाँ जी यूपी का ले लिया भाई, यूपी पुलिस की तो तैयारी चलती है हमारे पास में, तो आप आ सकते हो लाड लो। अब एक चीज़ और बता दूं मैं साथ ही, कि अगर आप अभी तक अंतिम समय है, टेस्ट सीरीज मारना बहुत जरूरी है, ब्लड रिलेशन आप कमेंट करिए, जिस पे भी क्लास सही है, मेरे को ज़्यादा कमेंट जिसके आएंगे उसके पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो लाड लो अंतिम समय है, टेस्ट सीरीज अगर आपको लेनी है, मैं बताऊँ हमारा जो एप्लीकेशन है कमांडो अकेडमी के नाम से, मात्र 50 रुपये में अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हो, ये नाम मात्र के चार्ज में आपके लिए अवेलेबल कराई गई है। कल सुबह लाड लो, सुबह कब, कल सुबह 9 बजे स्टेटिक जी की क्लास होगी, उसमें आ जाना, और शाम को वापस ये क्लास होगी, 3 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी, मैथ की क्लास सुबह 7 बजे होती है, तो ध्यान रखिएगा यूपी वाले बड़े साहब जी। ओके लाड लो, ठीक है, जिसने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया लाड लो करते रहिए, राजस्थान का एडमिट कार्ड नहीं आया, आ गया बेटा, ठीक है, जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, तुझे खुद में गोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, सजरा सवेरा तेरा चनवर का, कजरा अंधेरा मेरी जलती लो, कतरा मिला जो तेरे दरबर का, मोहला कुन फाया कुन, कुन फाया कुन,
पाया कुन कुन पाया कुन पाया कुन, जब कहीं पर कुछ नहीं भी नहीं था, तू ही था तू ही था तू ही था तू ही था, जो है तुझ में समाया जो है मुझ में समाया। हाँ लाडलू, सर्कल का टाइम टेबल यही हमेशा टाइम टेबल रात 8 बजे रहती है लाडलू। बहुत जल्द मैं स्पेशली रीजनिंग और मैथ की मैराथन क्लास करने वाला हूँ, जिसमें एक ही क्लास में आपको टोटल के टोटल रीजनिंग और मैथ के चैप्टर कराए जाएंगे 2 दिन में, ठीक है। वो 12-12 घंटे की क्लास होगी, आप आ जाना जरूर टाइम से, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिए लाडलू, आपको कैसी अच्छी लगी, लाइक शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े उसके लिए, बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। कल रात 8 बजे वापस आइए क्लास में, और सुबह 9 बजे स्टेटिक जी की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत मेरे लाडलू, बोले भारत माता की जय। सर CRPF से रिटायरमेंट हो क्या, कल बता देंगे, अब आज की क्लास खत्म हो गई भाई।